आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप UPSC, स्टेट PCS या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है, प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। प्रणाम देवियों और सज्जनों, जनवरी 2024 मंथ की ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने पॉलिटी और IR देख लिया होगा, हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। अभी हम लोग कवर करेंगे इकोनॉमी को। टोटल ये वीडियो 4 पार्ट्स में आएगी, एक आ चुका है, सेकेंड अभी कर रहे हैं, दे आर स्टिल पेंडिंग थर्ड एंड फोर्थ। जब चारों पार्ट अपलोड हो जाएंगे तो आप लोगों को ये हाईलाइटेड PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और जो पिंड कमेंट होता है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। PT 365 के बारे में आप लोगों को बता दिया था, YouTube पर नहीं आएगा लेक्चर, वी आर डूइंग दिस ऑन Zoom लाइब्रेरी। और Zoom लाइब्रेरी को ज्वाइन कैसे करना है वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दिया, फिर बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर एडमिन का यूज़र नेम होगा, कॉन्टैक्ट द एडमिन। वहाँ पर हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम लोग टाइम सेट करके एंड देन वी आर कवरिंग द टॉपिक, वो ज़्यादा बेटर है। इन दिनों में अगर आप कोई भी पेड कोर्स ले रहे हो वो आपके काम नहीं आएगा, मैं जानबूझ करके वो लेक्चर्स नहीं डाल रहा हूँ। और इन दिनों में आपको लेक्चर्स देखना यूज़फुल नहीं होगा, सोच करके देखो, अभी आपका मन जो है ना उसको जल्दी जल्दी लपेटनी चीज़ें कि फटाफट लपेट लो, ये भी लपेट लो, वो भी लपेट लो, वो रजिस्टर नहीं करेगा। वो रजिस्टर कब करेगा, व्हेन यू रीड दिस बाय योरसेल्फ। तो इसलिए जूम लाइब्रेरी पर PT 365 का सेल्फ स्टडी करेंगे, है ना, टाइम सेट करेंगे, 3 से 4 घंटे में एक PDF ख़त्म करनी है पूरी, टाइम लगाएंगे 15 मिनट का एक टॉपिक, 10 मिनट का एक टॉपिक, आई विल सेट विद यू गाइस, है ना। और शाम को करते हैं, रात को कुछ 8, 9, 10 बजे, 2 से 3 दिन के अंदर एक PDF को ख़त्म करने का टारगेट है। तो क्विकली ज्वाइन कर लो, उसको क्विकली ख़त्म करो, एंड उसके बाद लास्ट में एग्जाम से पहले एक बार के लिए अपना रिवाइज कर लेना, क्विकली बस 2 बार करा एंड यू आर डन विद PT 365। उससे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस स्टार्ट विद द इकोनॉमी सेक्शन। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ अबाउट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इंडेक्स में हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम चीज़ों की रैंकिंग देखते हैं, है ना, व्हाट इज़ परफॉर्मिंग, हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग, और उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। सो नीति आयोग ने रिसेंटली एक डिस्कशन पेपर निकाला था, उसका टाइटल था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 एंड 2006। तो ये हम कह सकते हैं कि कुछ ऑलमोस्ट 20 साल का टारगेट लेने की कोशिश की जा रही है, मतलब ये 2024 के बाद फिर 2025 वाला टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 18-19 साल का एक डेटा तैयार किया है। नीति आयोग एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बात आप याद रखिएगा, इसको भूलना मत। इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पहले क्या था हमारे पास, पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन था, गवर्नमेंट ने उसको रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इंडिया में पॉवर्टी को पहले एक डायमेंशन से देखा गया था, दैट वॉज मॉनिटरी, बट नाउ इट इज़ मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होगा कि अलग अलग एस्पेक्ट में हम इसको देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं व्यक्ति के पास रहने की जगह कितनी है, हम उसका ह्यूमन कैपिटल भी देख रहे हैं, हम उसका खान पान भी देख रहे हैं, है ना। तो और भी अलग अलग तरह की डिप्रीवेशन है ना, हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है, वायलेंस तो नहीं फेस कर रहे हैं। तो हम थ्रू आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम इन सबको एंड करना चाहते हैं। हमारा जो पहला गोल है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, वो पॉवर्टी को लेकर ही है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम विश्व में यही है, लोग अगर गरीब हैं तो ना वो खाने को खरीद सकते हैं, ना पढ़ाई को लेकर के, ना स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, नथिंग दे कैन डू। तो रिमेंबर 17 गोल्स हैं, है ना, टारगेट क्या है हमारा, इनको 17 गोल को पूरा करने का बाय 2030। अब मैं आपको कोई बार बता देता हूँ कि अगर आपने माइंड मैप पहले देखे भी होंगे तो पॉवर्टी को लेकर के ना बहुत सारे माइंड मैप्स बनाए गए थे हमने, जो कि मेंस में आपके बहुत कायम आएंगे और प्रीलिम्स में भी आएंगे। तो जैसे एक एनर्जी पॉवर्टी नाम की भी एक चीज़ होती है, ठीक है, एनर्जी पॉवर्टी मतलब फ्यूल पॉवर्टी, तो ये भी एक टॉपिक मेंस का बनता है, आपको ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देन वी हैव अदर टॉपिक्स, ग्लोबल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का इंडेक्स था 2021 का, ये नोट डाउन मत करना, बट एक बार इसको रीड कर लेना, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि उस टाइम पर क्या चल रहा था पॉवर्टी में।
देन लर्निंग पॉवर्टी भी एक चीज़ होती है ना, जिसमें फाउंडेशनल स्किल्स की कमी होती है, बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी की। तो जब आप मेंस में प्रिपरेशन करते हो तो एक टॉपिक के मल्टीपल डायमेंशंस के ऊपर ध्यान देते हो ना, जस्ट रिमेंबर कि ये भी कुछ चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। फिर ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो पुराने वाला था, हमने वो भी किया था नीति आयोग का, पॉवर्टी एलिवेशन है ना, हाउ कैन वी वर्क ऑन दिस थिंग। इवन कोविड के कारण भी कितने लोग थे जिनको पॉवर्टी की तरफ वो मूव कर गए थे, है ना, बहुत सारे इफेक्ट्स वगैरह भी थे। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने जो पॉवर्टी लाइन रखी हुई है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए, वो $3.2 पर डे रखी हुई है। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी हैं। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पैरिटी, प्रोस्पैरिटी का मतलब क्या हो गया, समृद्धि है ना, वो कितने लोगों में आपस में बांट करके की जा रही है, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंडिया में कितने लोग हैं जो पॉवर्टी में फंसे हुए हैं, ऑल दिस थिंग। पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पैरिटी 2022 का भी डेटा है। फिर पॉवर्टी के कुछ एस्टिमेट्स, उसको मेजर करने के लिए उसके एस्टिमेशन के कौन से अप्रोच होते हैं ना, कैपेबिलिटीज़ का एक अप्रोच होता है, एक वेलबींग अप्रोच होता है। तो ये टॉपिक ना काफ़ी ब्रॉड है, ये वाले सारे माइंड मैप्स भी अगर आप चाहो तो इनको नीचे से डाउनलोड कर सकते हो, ये भी आपके काम आएंगे। एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एल्कायर फॉस्टर मेथड, ठीक है। इसमें हम लोग गरीबी की दो चीज़ें देखते हैं, ब्रेथ भी और डेप्थ भी, यानी कि अगर आप ग्राफ बनाते हो तो आप ग्राफ में ब्रेथ भी देखोगे डेप्थ भी देखोगे। पहले हम लोग एक डायमेंशन देखते थे, पहले हमारा फोकस मेजरली मॉनेटरी चीज़ों पर ज़्यादा हुआ करता था, अब वी हैव इंक्रीज दैट। ओके जी, मेजरमेंट कैसे होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का? अब आपको ये तो समझ में आ गया कि मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या, कि सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड्स, वायलेंस, सब के बारे में बात की जा रही है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो इंडेक्स होता है ना, वो नंबर वन बात आपको जो याद रखनी है वो है कि इंडिविजुअल लेवल पर आइडेंटिफाई करता है, ग्रुप में नहीं देखेंगे हम, एक एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे कि गरीबी उसको किस हद तक इम्पैक्ट कर रही है। और इसके लिए हम लोग ये एल्कायर फोस्टर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। UPSC कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि एल्कायर फोस्टर मेथड को डिटेल में बताओ, पर आपसे ये ज़रूर पूछ लेगा कि पॉवर्टी को मेजर करने के 4-5 मेथड्स के नाम ज़रूर बता दो, मेंस में अगर पूछेगा तो। तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे बनाएगा कि इंडिया में पॉवर्टी को एस्टिमेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है, फिर वहाँ पर एक नाम दे देगा ऑप्शन में कन्फ्यूज़ करने के लिए, एल्कायर फोस्टर। उस तरीके से याद रखिएगा। ऐसे ही एक ग्लोबल लेवल पर भी होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का, उसको 2010 से ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है और UNDP, ये लोग रिलीज़ कर रहे हैं, उसमें 100 डेवलपिंग कंट्रीज़ को मेजर करते हैं। इंडिया में जो नेशनल लेवल पर जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, उसमें दो इंडिकेटर्स होते हैं मेजरली, एक हेड काउंट रेशियो होता है, एक इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। अब हेड काउंट रेशियो मान लो एग्ज़ाम में कहीं पर आ गया, आपको नहीं पता कि यार ये क्या चीज़ होती, मैंने कभी पढ़ी नहीं, तो कीवर्ड को ब्रेक करो, हेड का काउंट किया जा रहा है, इंडिविजुअल पर्सन को काउंट किया जा रहा है। ये तो आपने ऊपर देख लिया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिविजुअल के ऊपर असेसमेंट किया जाता है। तो पॉपुलेशन के अंदर कितना प्रोपोर्शन है उन लोगों का जो पुअर हैं, और वो इंडिविजुअल के हिसाब से काम करेंगे। इंटेंसिटी गहराई देख सकते हो, मंशा गहराई है ना, एवरेज प्रोपोर्शन कितना है डिप्रीवेशन को लेकर के, बस उसी चीज़ों को, बस मेजरमेंट के कुछ टूल्स हैं, कुछ तौर तरीके हैं, आसान चीज़ है, इसको बहुत डीपली दिमाग में फंसाने की कोशिश मत करना कि हाई ये क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं। इंडिया में नीति आयोग इस इंडेक्स को प्रिपेयर करता है। नीति आयोग को जनरली काम क्या होता है ना, पॉलिसी मेकिंग में सजेशंस देना, हेल्प करना, रिसर्च पेपर्स पे काम करना, गवर्नमेंट को आइडिया देना है ना, कुछ इंडेक्सेस पे भी काम करता है, और इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का सारा असेसमेंट नीति आयोग करता है। देन गवर्नमेंट का एक ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ इनिशिएटिव है, नीति आयोग उसके अंडर इसको इस पर काम करता है। इसमें नीति आयोग कौन सा सर्वे यूज़ करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को भी इस्तेमाल करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये एक प्रिलिम्स का फैक्ट बन जाता है, तो इनको इस तरह से याद रखिएगा। फिर जब एक रिसर्च पेपर आया था, डिस्कशन पेपर आया है, तो डिस्कशन पेपर के साथ हमें क्या होना चाहिए, कुछ फाइंडिंग्स एसोसिएटेड होंगी। भारत में देखा गया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो इंडेक्स था ना, वो थोड़ा डिक्लाइन पे देखने को था। ओके, पिछले 9 सालों में ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 25 करोड़ ऐसे लोग थे जो इस तरह की गरीबी से बाहर निकले हैं। 2013-14 में जो हेड काउंट का रेशियो था वो था 29.17, अब 2022-23 में हो गया 11.28। अगर आप देखोगे ये ऑलमोस्ट 30% था और ये ऑलमोस्ट 12% आ गया, हम ऐसे कह सकते हैं इसको, है ना, तो कितना चेंज हुआ है इसमें, 8/30 का चेंज हुआ है। अब इसका परसेंटेज आप निकाल लेना भाई, कितना हो गया, 80/3 समथिंग हो गया ना, तो हाउ मच इट इज़ गोइंग, 26 हो गया ना ये,
नहीं, 626 से ऊपर जाएगा ये। तो ठीक है, 25 या 75 होते हैं, तो इतना परसेंटेज के आसपास तक चेंजेस भी देखने को मिले हैं। ये परसेंटेज का निकालने का कोई वो नहीं है, यूपीएससी इज़ नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस। ये क्या होता है कि बैठ के थोड़ा सा वीडियो देख रहे हो, जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग योर अटेंशन बैक। 2015-16 से लेकर 2019-20 में और 2005-06 से लेकर 2015-16 में जो हेड काउंट रेशियो का जो डिक्लाइन था ना, उसकी जो गति थी वो यहाँ पर ज़्यादा थी, यानी कि इन सालों में फास्ट डेवलपमेंट देखने को मिला था, इन सालों में स्लो डेवलपमेंट। ये नीति आयोग के डिस्कशन पेपर में पता चला था। डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स में अगर आप देखना चाहोगे तो कुकिंग फ्यूल एंड हाउसिंग वगैरह के अंदर हाईएस्ट डिप्रीवेशन था, चाइल्ड एडोलसेंट मोर्टेलिटी वगैरह के अंदर लोवेस्ट डिप्रीवेशन था। इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा रहेगा, जो आपको मीन्स में यूज़ करने को मिलेगा, वो है रीजनल लेवल के ऊपर क्या चीज़ थी। यूपी, बिहार, एमपी, ओडिशा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला, विच इज़ अ इट्स अ गुड थिंग ना, कि भाई इन जो भी स्टेट्स थे उनमें लोग का जो गरीबी का लेवल था वो ख़त्म हुआ है, लोग पॉवर्टी से बाहर निकल पाए हैं। देन कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण डिक्लाइन भी हो रहा है एमपीआई, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य स्कीम है ना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन। तो स्कीम्स किस लिए होती हैं? स्कीम्स वेलफेयर के लिए होती हैं, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए होती हैं, और ये काम कर रही हैं, ऐसा इस रिसर्च पेपर से पता चला है। नेशनल लेवल पर जो नीति आयोग यूज़ करता है इंडेक्स, उसमें कुछ डायमेंशनस हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो तीन मेजर डायमेंशनस हैं। क्या ये आपको याद करने हैं सारे के सारे? नो, जस्ट हैव अ लुक एट देम। अब हेल्थ को 1/6 रेशियो दिया गया है, इसको 1/3 दिया गया है, इसको 1/3 दिया गया है, मतलब इनको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज दे देंगे, इतना इसमें मेजरमेंट करेंगे। हेल्थ में फिर न्यूट्रिशन देखते हैं हम, चाइल्ड और एडोलसेंट मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब होता है डेथ, और मॉर्बिडिटी का मतलब होता है सिकनेस, इलनेस। देन एंटीनेटल केयर, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स, बैंक अकाउंट। तो आप देख रहे हो इंडिया में पॉवर्टी को लेकर के हम कितनी सारी चीज़ों को असेस कर रहे हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि द व्यक्ति इज़ मतलब जो इंडिविजुअल है वो सच में गरीब है भी या नहीं है। तो ये अच्छा है, इससे गवर्नमेंट को ना स्कीम्स बनाने में मदद मिलती है। तो काफ़ी अच्छा एक हम कह सकते हैं कि वी हैव अ न्यूएंस्ड पर्सपेक्टिव ऑन दिस थिंग, है ना। तो पॉवर्टी के असेसमेंट्स बहुत ईजी हो जाते हैं और टारगेटेड इंटरवेंशन करने का मौका मिलता है। पर देखो, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कमियाँ तो होंगी ना, हम हर चीज़ को बहुत परफेक्ट तो नहीं कह सकते, वी विल ऑलवेज हैव सम शॉर्ट कमिंग्स। सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है, है ना। तो क्योंकि जब भी हाउस होल्ड्स का मेजरमेंट किया जाएगा, उसमें कहा कि एटलीस्ट 1/3 में वो गरीब होगा, तब उसको हम NMPI की कैटेगरी में रखेंगे, एटलीस्ट 1/3 में। कोविड के कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, है ना, ये रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला था, है ना, हेल्थ केयर में प्रॉब्लम आई थी, तो वो कॉन्सेप्ट इंडेक्स में ऐड भी नहीं किया गया, ये भी एक प्रॉब्लम है। वेजेस, है ना, लोगों का जो मेहनताना वगैरह होता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। इशू है डेटा की रिलायबिलिटी पर, जब हमने यहाँ देखा कि लोगों की जान गई थी, है ना, लोग अपने घरों को लौट रहे थे, देखा होगा आप लोगों ने द मोमेंट कोविड का लॉकडाउन हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो वर्किंग क्लास के थे, दे हैड टू रिटर्न टू देयर होम्स, और ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गया था, तो लोग पैदल भी जा रहे थे, है ना, सो मैनी इशूज़ वर देयर। वो चीज़ इंडेक्स में जब नहीं थी तो डेटा की रिलायबिलिटी पर डाउट करने को सवाल खड़े हो जाते हैं कि भाई जब आपके पास डेटा ही कंप्लीट नहीं है तो हाउ कैन वी से कि आपने जो इम्प्रूवमेंट दिखाई है वो सच में इम्प्रूव हो भी रही है नहीं हो रही है। तो हम क्या करें अब इसको ठीक करने के लिए? कुछ नए डायमेंशंस और हम ऐड कर सकते हैं, जैसे नए डायमेंशन में सजेशन देखो, उन्होंने कहा कि लर्निंग आउटकम्स को, है ना, लोग सीख कितना रहे हैं, सीख पा रहे नहीं पा रहे। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समाज में उनके प्रति कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, है ना, तो दे आर नॉट रेगुलेटेड, इनका कोई रेगुलेशन तो होता ही नहीं है, तो इनको भी तो काउंट करना चाहिए ना, दे नीड काउंटिंग। एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, ये चीज़ अगर हम देखेंगे तो हमारा डायमेंशन और ऐड हो जाएंगे, तो हमारा कैलकुलेशन और बेहतर होगा। फिर अभी रिसेंटली जो नेशनल MPI है, इनको 75th जो नेशनल सैम्पल सर्वे के राउंड्स हुए थे उसके डेटा को भी NFHS के साथ ऐड करना चाहिए। इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए हमें रियल टाइम बेसिस पर चीज़ें काउंट करनी चाहिए, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए। अब सोशल ऑडिटिंग जनरली आप मनरेगा में देख लोगे, लेकिन सारे स्कीम्स के अंदर सोशल ऑडिटिंग नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जिनको हम कर सकते हैं, देन वी कैन मेक श्योर कि जो भी हमारा ये डेटा है
ये और बेहतर बन के आए, हमारे पास बेहतर अंडरस्टैंडिंग्स बने। ठीक है जी, देखो ये जो मैंने एनोटेशंस किए ना सारे, ये रेड पेन से मार्क किए हैं। अभी दो तरह की PDF है, एक जिसमें रेड कलर के मार्क नहीं मिलेंगे, मैंने जो जो लिखा है कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो बेसिक सिंपल अंडरलाइन होगा। तो जो सिंपल अंडरलाइन वाला PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि मैं ये सारी चीज़ें भी साथ में आपको दूँ, ये एनोटेशंस वाला, इस PDF के लिए आपको मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। लिंक कहाँ है वही टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वाली मैं सबको पर्सनली भेजूंगा, कब, जब चारों पार्ट्स अपलोड हो जाएंगे फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आई गिव इट टू यू। दोनों में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड इसलिए नहीं करूँगा, फिर लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ओके, UPSC के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है, जो आपको प्रिलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए, 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको, कोट्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स के लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे, जो आपको प्रिलिम्स एंड मेंस में प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूजफुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज़ को। तो ये जो माइंड मैप्स हैं इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है, जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया, एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं, तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। सो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ NGOs को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को लेकर, वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेज को लेकर, फिर वुमेन इन जुडिशरी, वुमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, CBI वर्सेज स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर, दीज आर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा, मैं कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, एंड देन वी हैव एंशियंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो, तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल हैं। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्रपाल हो गया, बुद्धिज्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स पूछ आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप्स हैं जो आपको ईजिली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूज़िक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे उन सबके नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को देख लो, आप इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं, 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, उसमें मनरेगा का भी पार्ट है, सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस टू पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, WTO को लेकर के और उसके क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह। सो ऑल द कॉन्टेंट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टू UPSC सिलेबस जो प्रिलिम्स और मेंस में मिलेगा, स्टैटिक भी है, एंड देन डायनेमिक कॉन्टेंट इज़ ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इशूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था, इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं।
अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ। तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स हैं आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म के, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्टेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज वगैरह को लेकर। सो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे नो डोंट नीड टू गो थ्रू देम, बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है। एंड अपनी नीड्स के हिसाब से इट्स नॉट नेसेसरी आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स याद करने हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से। 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो, कुछ में तो एक चीज़ के दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे ताकि आपको जो याद करने में आसानी हो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे देखोगे, तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीम हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिशी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया, तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूज़फुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते रहें, बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5-प्रॉन्ग अप्रोच यूज़ करोगे तो आप यू कैन मेंशन यूनिलैटरल, बायलैटरल, सब रीजनल, इस तरीके से। देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मैंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स। उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम आप जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं, 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आप GS 1, 2, 3, 4 अपने ऑप्शनल में एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3 P's में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, जो एथिक्स में यूज़ हो सकता है, 5 I's में इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन, और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी, 3F मतलब फंड, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं, तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज़ में से, एंड देन यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, आप इसको जस्ट गेट इट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे। इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन हैं बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो GS 1, 2, 3, 4 को कैसे ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़। देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है, ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज़ करने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा, उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी। इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना आप टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर, जैसे कि ये रहा आपके सामने। अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए, तो आपकी फर्स्ट डे के आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया, तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है, तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है, डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है।
जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी और आपको इसमें एक हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की। उसमें एग्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है। आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते हैं से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना। देर आर मैनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम। तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा, फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं। GS2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको, तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत इजीली इसमें सर्च कर सकते हो एंड यू कैन सिंपली यूज़ देम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रीलिम्स में, मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं। ये टाइप वाइज हैं, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशियंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे। ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है, तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे। फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोर्ट्स वगैरह। अब जो कोर्ट्स हैं ना, उनमें एक चीज़ दो चीज़ देखेंगे, एक तो टाइप वाइज हैं लाइक एजुकेशन के सारे कोर्ट्स हैं, ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारे कोर्ट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, अरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंग इन द स्मॉलेस्ट कोर्ट्स। जैसे कि अगर आप ऑफरा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वूंड्स इन टू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो। इवन GS 1, 2, 3, 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोर्ट्स हो सकती है ना, मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है। लंबे लंबे कोर्ट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है। देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एग्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं। बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है, एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी बताना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है, उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्ज़ाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैंपल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था वो भी आपको साथ मिलेगा। तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन UPSC हैंड बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है, यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ़ द क्रिएटर हैज़ बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये PDF डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है UPSC50 का ये यूज़ कर सकते हो, ये सिर्फ आपको UPSC हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज़ कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टा मोजो। सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे, एक पे आपका PDF का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स PDF होगी जिसमें आपका ये कंटेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो, तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टा मोजो या फिर UPSC हैंड बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कॉन्टैक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो। तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो तो विद इन 7 डेज आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज़ करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना, सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज़ करो, अदरवाइज़ ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। टॉपिक नंबर 3.2 में हम लोग बात करेंगे UPI के बारे में, क्योंकि RBI ने ना कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं ताकि UPI पेमेंट को बेहतर किया जा सके।
तो हम लोग जानेंगे वो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उससे पहले ये जान लेते हैं कि यूपीआई क्या है। 2016 में यूपीआई को एनपीसीआई ने डेवलप किया था, राइट। यूज़ आप सब कर चुके हैं, ये पेमेंट सर्विस को और क्विक कर देता है। ऐसा नहीं था कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पहले नहीं होती थी, लेकिन कार्ड स्वाइप करो या फिर उनके अकाउंट में अकाउंट नंबर डालो, आईएफएससी कोड डालो, अकाउंट वेरीफाई करो, बेनिफिशियरी ऐड करो, ये लंबा प्रोसेस था। यूपीआई आया, उसमें सबकी एक आईडी हो गई, सबका मोबाइल नंबर से एसोसिएट हो गया, तब पेमेंट इज़ जो पेमेंट सर्विस है ना हमारी, अब वो क्विक हो गई है और एफिशिएंट हो गई है, पहले से ज़्यादा एफिशिएंट भी है ना। तो सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन की हेल्प से अब आप ये प्रोसेस कर पाते हो, फंड्स वगैरह ट्रांसफ़र करना। एनपीसीआई भारत के अंदर रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट पे काम करता है ना। तो ये आरबीआई का और आईबीए का, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का एक इनिशिएटिव है। 2007 का हमारा पेमेंट सेटलमेंट एक्ट है, उसके अंदर आता है ये। कंपनीज एक्ट के तौर पर ये नॉट फॉर प्रॉफिट में रजिस्टर्ड है। भारत में रुपे कार्ड, भारत में आईएमपीएस, यूपीआई, भीम, भीम आधार, भारत बिल पे, ये सब के सब जो प्रोडक्ट्स हैं ये किसके हैं, एनपीसीआई के। तो एनपीसीआई बिकम्स इम्पॉर्टेंट। एनपीसीआई हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन योर पीवाईक्यू ऑफ प्रीलिम्स, ये आ चुका है पहले, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया, कुछ नए रूल्स बनाए थे। सिंस आप यूज़ करते हो तो आपको ये रूल्स समझ में आ जाएंगे, मैं इसमें कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, सामने जो लिखा है वही है। तो उन्होंने कहा कि यूपीआई से पहले आप हॉस्पिटल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो पेमेंट करते थे ना, उसकी लिमिट 1 लाख थी, अब उन्होंने उसको बढ़ा करके 5 लाख कर दिया है, ठीक है। ट्रांजेक्शन लिमिट जो है यूपीआई की, वो है 1 लाख के ऊपर, एक्सेप्ट इन फ्यू कैटेगरीज, ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड, उनके अलावा। अब उन्होंने एक चीज़ और कर दी है, जो ये ई मैंडेट्स होते हैं ना, ई मैंडेट्स मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल के लिए आपका मंथली जो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन हो गया मान लो, ठीक है, आप हर महीने आपके अकाउंट से नेटफ्लिक्स के पैसे कटते रहते हैं, तो वो क्या होता है, वो मैंडेट होता है कि आप एक बार उसमें अपने कार्ड की डिटेल्स सेव कर देते हो, फिर वो हर महीने ऑटोमेटिकली कटता रहेगा। वो जो ई मैंडेट था ना, उसकी लिमिट थी पहले 15,000 की, कि आप 15,000 मैक्सिमम कर सकते हो, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 1 लाख। ये दो बदलाव किए गए और ये बहुत अच्छे बदलाव हैं। कुछ नए फीचर्स भी हैं यूपीआई के। क्रेडिट लाइन, देखो भी पहले आपके पास क्रेडिट कार्ड होता था, वो यूपीआई से नहीं हुआ करता था, अब आपको वो प्री सेंक्शन क्रेडिट लाइन्स मिल जाया करेंगी थ्रू यूपीआई। इससे पहले सिर्फ आपके पास एक डिपॉजिटेड अमाउंट जो होता था ना, वही आप ट्रांजेक्ट कर सकते थे, अब नहीं होगा वो, है ना। यूपीआई लाइट एक्स भी आ गया है ऑफलाइन मोड के लिए, यूपीआई टैप एंड पे भी आ गया है एनएफसी वाले क्यूआर कोड्स के लिए। एनएफसी पहले एग्जाम में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी सब यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो यूज़ भी करते हो डेली और एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। इस मुझे आई थिंक 2022-21 के आसपास की बात है शायद, है ना, वो थोड़ा आप पीवाईक्यू देखो तो ईयर आपको याद आ जाएगा, बट दिस थिंग्स आर ऑल अवेलेबल। हेलो यूपीआई करके वॉइस कमांड्स वाला भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास, है ना। बिल पे कनेक्ट के लिए आप सिंपल हाई मैसेज से अपने बिल पे कर सकते हो। फिर कुछ और भी चेंजेस हैं जो प्रपोज किए गए हैं, मतलब ऐसा प्रस्ताव रखा गया है सामने। तो उन्होंने कहा था कि जैसे जो भी नंबर्स वगैरह अकाउंट्स जो इनएक्टिव है ना 1 साल तक, उनको डीएक्टिवेट कर दो आप, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे अकाउंट्स क्लीन हो जाएंगे। 4 घंटे की लिमिट देने की बात की थी उन्होंने, कि जो पहले पेमेंट होंगे ना ओवर 2000 के नए रेसिपिएंट्स के लिए, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कहा कि यूपीआई एटीएम्स भी स्टार्ट करो आप, है ना, कि आप कैश को विड्रॉ कर सकते हो बाय स्कैनिंग द क्यूआर कोड। ये भी कमाल हो जाएगा ना, आपको फिर कार्ड स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कार्ड कहीं पर कैरी नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्रपोज्ड चेंजेस हैं, है ना, लेट्स सी हाउ इट रोल्स आउट, ये भी एक्सेप्ट होते हैं नहीं होते हैं। भारत में जो ये यूपीआई का जो कॉन्सेप्ट लिया है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जा रहा है ना। तो सेकेंडरी मार्केट में इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई चलेगा कैंपेन चलाया सरकार ने, गूगल के साथ भी उन्होंने एक एमओयू साइन किया था गूगल पे के तहत, है ना। ओवरसीज़ में यूएई, ओमान, फ्रांस, नेपाल, भूटान, इन सब में यूपीआई से पेमेंट होती है। यूपीआई 123 पेन है, 123 पे जो होते हैं ना, तो वो जो सिंपल वाला मोबाइल होता है ना, कीपैड वाला टाइप का, उसके लिए भी। तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। देखो बेनिफिट क्या होता है, मर्चेंट को कार्ड से जो एक्सेप्टेंस करना पड़ता है उसमें थोड़ा चार्ज देना पड़ता है, तो उसको लगता है कि यार मैं चार्ज क्यों पे करूं, वाई शुड आई नॉट टेक डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर को महंगा पड़ता है, बट यूपीआई दोनों को सस्ता पड़ता है ना। बिना किसी क्रेडिट कार्ड के एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना, कैश वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती रिटर्न में, खुले रुपए हो ना हो,
फिज़िकल लेवल पर भी है, ऑनलाइन लेवल पर है ना, क्रेडिट वगैरह आसानी से मिल जाता है, लोन वगैरह भी फिर अवेलेबल होता है कस्टमर्स के लिए फुल टाइम। सिंगल ऐप होती है, मल्टीपल ऐप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल की ऐप से ही डायरेक्टली कंप्लेन भी कर सकते हो, मैंने किया था एक बार UPI में कंप्लेन, इमीजिएटली मेरे को मतलब एक दिन के अंदर अंदर ही सारा सॉल्यूशन दे दिया था उन्होंने। तो बाकी पता नहीं किसी का डिले होता हो तो, बट मेरे केस में हुआ था, कुछ 15,000 के आसपास की ट्रांजेक्शन की दिक्कत आ गई थी और एक दिन के अंदर अंदर उन्होंने सॉल्व कर दिया था। यूज़ करना भी बहुत आसान है, बैंक्स में उन लोगों को एक नया ब्रांच क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट ऑफ सेल होता है वो जो मशीन होती है ना कार्ड स्वाइप की, उस तरह की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मर्चेंट को इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, ऑनबोर्ड करने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, इजीली बस उनको जाके समझा दो कैसे उनको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है, इट ईज़िली हैपन्स है ना, और डेटा ट्रांसफ़र ईजी होता है। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए ओपन आर्किटेक्चर, मतलब ये फिनटेक वगैरह का है ना, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी आप मिलकर काम कर सकते हो और इनोवेटिव क्रेडिट प्रोडक्ट लेके आ सकते हो। तो बेसिकली दिस इज़ लाइक ओपन एंडेड नाउ, अभी आगे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आएंगी। यू ऑल नो भाई, UPI का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, सारी दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है। बात आती है रेगुलेशन पर, है ना, अगर हम इसको और बड़े लेवल पर लेके जाएंगे तो देखो ये टेक्नोलॉजी है, कोई ना कोई इसको हैक करने की कोशिश करेगा और हैकर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, एक होता है वाइट हैट हैकर, एक होता है ब्लैक हैट हैकर। तो जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो जनरली इलीगल काम करते हैं, वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोफेशनली काम करते हैं। तो डेटा को प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा, है ना, कानूनों के अंदर बहुत सारी रुकावटें होंगी, रेगुलेशन कैसे करेंगे। फॉरेन ओन्ड UPI ऐप्स, अगर आप देखते हो फ़ोन पे का जो मार्केट है वो सबसे ज़्यादा है 46.91 का, गूगल पे का 36.39 है, भीम का जो मार्केट है ना वो 0.22% का है। गवर्नमेंट चाहती है कि भीम का जो मार्केट है ना वो डोमिनेट करे, ठीक है। अच्छा, ये ना एक स्टडी है फ़ोन पे के ऊपर, है ना, रीड दिस स्टडी, रीड दिस इन डिटेल, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि जब आपको PDF मिले तो आपको याद रहे फ़ोन पे ने इतना बड़ा मार्केट कैसे कैप्चर कर रखा है। PayTM तो अभी डिक्लाइन कर गया, सबको पता है कि PayTM की कैसे बैंड बजी हुई है, तो फ़ोन पे ने कैसे किया था, कैसे उन्होंने अपनी प्रमोशन का इस्तेमाल किया, बड़ा टेक्निकली उन्होंने। जनरली लोग ना यही बोलते हैं कि लोग ये नहीं बोलते PayTM कर दे, जनरली लोग बोलते फ़ोन पे कर दो, शॉपकीपर भी बोलेगा फ़ोन पे कर दो, है ना। तो इसको पढ़ना है, बड़ा बहुत ही स्किलफुली इस पे काम किया गया। साइबर क्रिमिनल्स का इशू हो सकता है ना, एक्सचेंज रेट की प्रॉब्लम होती है, करेंसी कन्वर्जन की, एक देश से दूसरे देश में जब हम करेंसी का कन्वर्जन करते हैं तो उसमें चार्ज लगता है ना, ऐसा थोड़ी आप यहाँ बैठे हो तो US में आपका फ्रेंड आप डायरेक्टली उसको पे कर दोगे, नहीं भाई, अगर वहाँ पे करोगे हो जाएगा बट करेंसी को कन्वर्ट करें तो चार्जेस तो लगेंगे ही ना। लोगों में जागरूकता की कमी है अभी, पीपल आर स्टिल नॉट अवेयर कि भाई डिजिटल पेमेंट्स कैसे की जा सकती है, तो उनका फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। प्रिवेसी सर्वेलेंस, ये कुछ जनरल पॉइंट्स होते हैं, तो NPCI के पास सारी डिटेल्स होती हैं हर एक की, है ना, तो मे बी अगर कोई कभी उसका मिसयूज़ किया तो आपका आधार नंबर, आपके डिवाइस के फिंगरप्रिंट, आपका IP एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर, तो जो हमारा राइट टू प्रिवेसी है उसका कभी मिसयूज़ कर लिया गया तो क्या करेंगे हम। तो एक चैलेंज है, इस पर काम भी होता रहता है लगातार। अगेन, अब हमको जब वे फॉरवर्ड पर जाना है तो क्या करते हैं हम, वे फॉरवर्ड इज़ ऑलवेज रिवर्स ऑफ चैलेंजेस। रेगुलेशन की प्रॉब्लम थी, रेगुलेट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी और बेहतर बढ़ाओ, फ्रॉड के लिए और मजबूत करो, ट्रांजेक्शन की लिमिट हमने बढ़ा दी और बढ़ाई जा सकती है, लोगों को एजुकेशन की अवेयरनेस की प्रॉब्लम थी, लोगों को एजुकेट करो, सिंपल वे फॉरवर्ड इज द सिंपलेस्ट थिंग टू डू। इसलिए व्हेनेवर यू, मैं लिख देता हूँ, व्हेनेवर यू मेक नोट्स तो फोकस ऑन चैलेंजेस, ठीक है, और वे फॉरवर्ड विल कम बाय इटसेल्फ। मतलब अगर आप 10 टॉपिक के नोट्स बना रहे होते हो ना तो उसमें से 3 के वे फॉरवर्ड लिखो बस, 7 के ऑटोमेटिकली आपको बनाने आ जाएंगे। एक दो बार सेंटेंस फॉर्मेशन कर लो, फिर नोट्स में भी आपका स्पेस भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, है ना। 10 क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो दिन में, 3 की वे फॉरवर्ड की आंसर राइटिंग करो, 7 में समय बचाओ, 7 में चैलेंजेस पे ज़्यादा फोकस करो। तो ये स्किल है थोड़ी आंसर राइटिंग की, अगर आप चाहो सीखना तो। हो गया ये टॉपिक, ईजी था ना, ये टॉपिक आपका प्रीलिम्स का है ज़्यादातर, है ना। दिस टॉपिक हैज़ रेलेवेंस इन योर, रेलेवेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ऐसा मत सोचना कि ये टॉपिक पहले अगर एग्ज़ाम में आ चुका है UPI वगैरह पर, NPCI पर, अब नहीं आएगा। इट कैन रिपीट, कैन रिपीट ऑल्सो। ये
ये सही है, मैं एनोटेशंस में ये चीज़ें लिख दे रहा हूँ, जब आप पीडीएफ पढ़ोगे ना एक बार दोबारा से रिवाइज़ करोगे तो आपको दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ ये वाली बातें बोली गई थी, तो ये ज़रूरी है आजकल। टॉपिक नंबर 3.3 है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एसेट का मतलब क्या हो गया, पहले तो हम एसेट ही जान लेते हैं, ठीक है। फॉर यू, आपके लिए योर एसेट इज जो भी आपका अमाउंट डिपॉजिटेड है, अमाउंट इन बैंक, वो आपके लिए एसेट है। ये एग्जांपल हो गया अपना, ठीक है। बैंक के लिए आपका अमाउंट क्या हो गया, लाइबिलिटी, क्योंकि उसको आपने 100 रुपये दिए बैंक को और आपने कहा मैं 1 साल बाद लूँगा, आपको मिलेंगे 110 रुपये, आपके लिए तो एसेट हो गया, जितना दिया उससे ज़्यादा मिल रहा है। बैंक के लिए वो क्या हो गया, लाइबिलिटी, क्योंकि बैंक को 100 रुपये की जगह 110 देने पड़ेंगे और पूरे साल भर उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली कि ट्रेंड क्या चल रहा है, प्रोग्रेस कितनी हो रही बैंकिंग की, और ये 2022-23 का डेटा था ना, तो उसमें पता चला कि हमारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं ना उसका रेशियो गिर गया है 2022-23 में 3.9% तक। जानेंगे सब कुछ क्या होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बैंकिंग ने बोला कुछ ऐसे लोन होते हैं, कुछ ऐसे एडवांसेस होते हैं जो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, यानी कि बैंक ने कुछ पैसा जो आपसे लिया था, बैंक वो पैसा आगे दूसरी कंपनी उसको लोन पर देता है, वहीं से तो बैंक कमाएगा ना। सी, लेट मी शो दिस टू यू। तो ये आप हो, दिस इज़ यू, ठीक है। आप क्या करते हो, आप 100 रुपये देते हो बैंक को, ये बैंक है। बैंक क्या करता है, ऐसे और लोगों से भी इकट्ठा करता है बहुत सारे पैसे, बहुत सारे पैसे, बहुत सारे पैसे। बैंक क्या करेगा, 500 रुपये दे देगा एक कंपनी को, ठीक है, और ये कंपनी बैंक को लौटाएगी कितना, 600 रुपये, ठीक है। अब बैंक के पास आ गए 600 रुपये, बैंक क्या करेगा, सबके 100-100 रुपये लौटा देगा, ठीक है, और सब पे 10-10 रुपये लौटा देगा। तो 100 के 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ, बैंक के पास कितने बच गए अब, 50। यानी कि बैंक के पास यहाँ से आए थे 500, ठीक है, यहाँ पर बैंक ने दे दिए 500, बैंक के पास यहाँ से आ गए 600, बैंक ने लौटा दिए कितने, 550, बैंक के पास बच कितने गए, 50 रुपये। ये 50 रुपये बैंक की अर्निंग होती है। हम तो 50 रुपये की बात कर रहे हैं, ये चीज़ बैंक करोड़ों में करता है, तो वो करोड़ों के हिसाब से ऐसे ऑपरेट करता है। कभी कभी क्या होता है ना इसमें, अब बैंक का जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये 500 वाला, ये 600 रुपये नहीं दे रहा होता। यहाँ पर बैंक ने दिए थे 500, बट बैंक को कभी कभी 300 आ रहे हैं, कभी 200 आ रहे हैं, है ना, कभी 400 आ रहे हैं, तो जो रह गया ना इसमें रिमेनिंग, वो बन जाता है यहाँ पर, फिर इसकी प्रॉब्लम आती है, इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि बैंक का जो एसेट था ना अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। इसकी फिर कैटेगरीज बन जाती हैं हमारे पास, कुछ होती हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, कुछ होते हैं डाउटफुल, कुछ होते हैं लॉस्ट एसेट, तो ये कैटेगरीज बनाई हुई हैं। ऑलराइट, अब इसमें क्या बोला, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी लोन जिसका प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट लेट हो गया या मिस हो जाता है और एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, कब, जब उसका इंटरेस्ट या उसकी इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल की ओवरड्यू रहती है 90 दिनों से ज़्यादा तक, 3 महीनों से ज़्यादा दिनों तक। तो अगर कोई NPA बन गया, अब NPA सब स्टैंडर्ड कब बनेगा, जब वो NPA रहता है फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, 12 महीने तक अगर वो NPA की कैटेगरी में रहेगा तो उसको बोलेंगे अब ये सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया है। फिर अगर वो सब स्टैंडर्ड रहता है ना अगले फिर 12 महीने तक, तो उसको बोलते हैं अभी डाउट में आ गया है, डाउटफुल एसेट है। फिर अगर उसके बाद वो लॉस का मतलब होता है कि ऑब्वियस ही बात है अभी चला गया, अभी पैसा वापस नहीं आएगा, बैंक ने उसको दिए होंगे कितने रुपये, इट्स गॉन, ठीक है। तो अमाउंट जो होती है हेड, मतलब लॉस के एसेट में, वो क्या बोलते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है ना आरबीआई का, वो बोल देता है कि भाई हमने इसमें आइडेंटिफाई कर लिया पैसा वापस नहीं आएगा, बट अभी तक हमारी शीट के ऊपर ये लिखा हुआ है, स्टिल पेंडिंग ऑन द लिस्ट, हमारे बैलेंस शीट में ये लिखा हुआ है। अलग अलग कैटेगरीज हैं, समझ में आ जाएगा, बस सिंपल डेफिनेशन होती हैं। ऑलराइट, गवर्नमेंट ने ये चीज़ आइडेंटिफाई करी है, ऐसे तो बैंक को बहुत नुकसान हो रहा है, बैंक लॉस में जा रहे हैं और लिक्विडिटी लॉस में जा रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेप्स लेके आती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी सर्फेसी एक्ट 2002 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। फिर कुछ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे डेट को रिकवर करने के लिए। ऑलराइट, फिर IBC आया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये सारे टॉपिक हैं, इन डिटेल हमने ऑलरेडी कवर भी किए हैं, अलग अलग जब भी आता रहता है हम लोग कवर करते रहते हैं। राइट, तो IBC में उन्होंने कहा कि विद इन 180 डेज हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। NARCL आए, तो नया नया आया था,
एक कंपनी बनाई गई थी, है ना, इंद्रधनुष का प्लान आया था। जब इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं तो 7 कलर्स के साथ 7 स्टेप्स में प्लान लेके आया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्यों थी? ताकि बैंक्स को हेल्दी रखा जा सके, ऑलराइट। अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैसे आते हैं? जब बैंक कोई पैसा उधार देता है उसमें प्रॉब्लम होती है ना, वो अपने बोरोवर का यानी कि जिस कंपनी ने पैसा लिया था उसका क्रेडिट की जो प्रोफाइल थी, क्रेडिट प्रोफाइल का मतलब उस पर्सन की एसेट कितने हैं, उसकी कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही, उसको टाइमली रिव्यू नहीं कर पाते। तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के आपस में कोऑपरेशन नहीं हो पाता, है ना। कभी कभी कुछ विलफुल डिफॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पास पैसा होता है बट दे स्टिल चूज नॉट टू, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिकनेस भी एक चीज़ होती है, उनके पास इतने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो नहीं पाते कि वो मतलब इंडस्ट्री अपने आप में डेवलप नहीं हो पा रही, ये भी एक रीज़न होता है। रेगुलेशन का भी होता है ना, कभी कभी फ्रॉड भी हो रहा होता है, पैसा ले जाते हैं पता चलता है गलत कागज़ों के दिखा करके पैसा लेके चले गए। ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसके कारण NPAs बढ़ते रहते हैं। फिर कभी कभी बैंक वाले भी फ्रॉड कर देते हैं, बैंकर भी करता है, बोरोवर भी करता है ना। तो अगर आप देखोगे तो 2022-23 के अंदर भी जो फ्रॉड केसेस थे वो 5,396 थे, 2023-24 में वो चीज़ 14,000 तक चली गई थी। भाई मेरे साथ भी एक बैंक फ्रॉड हो चुका है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बच के रहा करो, बहुत संभल के रहा करो, बहुत संभल के। बड़ा नुकसान होता है बैंक फ्रॉड जब हो जाता है ना, पैसा वापस निकालने में जान निकलती है। अब क्या होता है जब ये NPAs होते हैं, कैसे इम्पैक्ट करता है? भाई देश की इकॉनमी में रुकावट आती है ना, बैंक के पास जब पैसा वापस आएगा नहीं तो और लेंडिंग कैसे करेगा, बाकी दूसरी एक्टिविटी उसकी रुक जाती है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता, महंगाई बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट भी तो बढ़ जाता है इसके कारण से, क्योंकि उसको लॉस भी तो कवर करना है। अब बैंक के पास जितना पैसा आना था वो नहीं ला पाया तो क्या करेगा, जो दूसरी कंपनी उससे पैसा मांगेगी। भाई इंटरेस्ट रेट कैसे इंक्रीज होता है ध्यान से समझना, ये बैंक था, ठीक है, इसने 500 रुपये दिए, ये बस एक्सपेक्टिंग कि मुझे 600 आएंगे, बट आए नहीं, कितने आए, 400 आए, तो बैंक को यहाँ पर कितने का लॉस हो गया, 100 का लॉस हो गया। अब बैंक क्या करेगा, कोई दूसरी कंपनी है, एक कंपनी बी है, ठीक है, वो बोलती मुझको पैसा चाहिए, बैंक बोलता ठीक है 500 रुपये दे दूंगा, लेकिन उससे मैंने 10% इंटरेस्ट रेट लिया था, तेरे से मैं 15% लूँगा। तो ये कंपनी बोलती यार हमसे महंगा क्यों ले रहे हो, तो बैंक बोलते हैं भाई क्या करूँ, लॉस हो गया, रिकवर तो करूँगा ना, तो इसके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ गया ना। ये चीज़ वो कहना चाह रहा है कि जब ऐसे NPAs बढ़ रहे होते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। मैंने कितना सिंपल समझाया यार आपको, ये बैंकिंग वालों के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। पब्लिक का विश्वास भी टूटता है, अगर बैंक ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा तो पब्लिक को डाउट होता है कि भाई पैसा चला गया, तो रेपुटेशन पर भी सवाल उठता है ना। भाई मैं एक बैंक का कस्टमर हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं भी परेशान हूँ उस बैंक से, भाई बहुत फ्लॉज है उसके टेक्निकल ऐप वगैरह में। पेंडेंसी, डेट की रिकवरी, कर्जे को रिकवर करना बड़ा मुश्किल काम होता है। भारत में तो जुडिशरी में 5 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, तो बैंक्स का भी काम कितना पेंडिंग चल रहा है। बैंकिंग के अंदर देखो आप लोगों को ये तो समझना पड़ेगा, अगर आप में से कोई बैंक की जॉब कर रहा है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, बैंक्स में जितना काम आप लोगों का होता है ना इंडिविजुअल का, हम सिटीजन्स का, कि मैं जाऊँ अपने पैसे डिपॉजिट करके आऊँ निकाल लाऊँ, ये तो बहुत छोटा काम होता है। बड़ा जो काम होता है ना बैंक में वो होता है कंपनीज वाला, बैंक्स मेजरली कंपनीज के लोन्स के लिए काम करते हैं, हम सब लोगों के लिए तो छोटे मोटे काम होते हैं वो तो कुछ नहीं होता। कैपिटल एडिक्वेसी के इश्यूज आ जाते हैं, है ना। अब बैंक के पास अपना कैपिटल उड़ गया, जब भी बैंक को अपने कस्टमर को वापस लौटाना पड़ेगा पैसा, तो उसके पास कैपिटल नहीं होता लौटाने को, ये भी एक इशू आते हैं। तो देयर आर मल्टीपल इशूज एसोसिएटेड विद दिस NPA। फिर कुछ रिपोर्ट्स हैं ट्रेंड एंड प्रोग्रेस को लेकर के, उसी के कुछ और भी हाईलाइट्स हैं। भारत में जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं ना, उसकी एक जो बैलेंस शीट का कंसोलिडेशन था वो पिछले कुछ सालों में इंक्रीमेंट देखने को मिला था। कंबाइंड जो बैलेंस शीट थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, वो इंक्रीज़ हुई थी। ये मतलब पॉइंट मुझे लग नहीं रहे कि आपको एग्ज़ाम में कहीं आपको यूज़ करने पड़ेंगे, है ना, लेकिन रिपोर्ट ने कुछ कंसर्न बताए थे। उन्होंने कहा था कि भारत में ना रिस्क को मैनेजमेंट करने की ना जो पॉलिसीज़ है ना वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। आप देखो ना कितने सारे स्टेप्स बना तो दिए, सरफेसी बना दिया, DRT बना दिया, IBC बना दिया, NARCL बना दिया, इंद्रधनुष, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एक प्लान हो वही एग्जैक्टली काम करे, तो ऐसा कुछ में प्लान की ज़रूरत है ना। देन कंसंट्रेशन के रिस्क, 50 एक्सपोजर जो हैं उनके पास 50% टोटल कॉर्पोरेट क्रेडिट है, जो 50 एक्सपोजर्स हैं ये पावर सेक्टर के हैं, इनमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इसमें यह पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो टॉप 50 जो एक्सपोजर्स हुए हैं 50 पावर सेक्टर के ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर दिक्कत है। मतलब आगे हमारा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, गवर्नमेंट को इसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने 4R स्ट्रेटजी भी लेके आए थे। ये आप लोग जब पढ़ते हो ना टॉपिक अपना ये पूरा,
वैसे तो ये बैंकिंग का जो पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर गिवन है ना, ये आप पढ़ते हो अपने स्टैटिक में, ठीक है। दी ओनली अपडेट इन दिस इज़ ये वाला कि भाई 3.9% तक, यही एक करंट अफेयर की बात लाइन है यहाँ पर, बाकी सब कुछ यहाँ पर जो है वो आपका स्टैटिक में ऑलरेडी गिवन होता है। 4 आर स्ट्रेटजी रिकॉग्निशन, पहले उसको रिकॉग्नाइज करो कि हाँ है, फिर रिजोल्यूशन पे काम करो, रिकवरी पे, है ना, फिर पब्लिक सेक्टर बैंक को रिकैपिटलाइज करो, है ना, रिफॉर्म लेके आओ PSB में, ये स्टेप्स ये ऑलरेडी ये भी सब डिटेल में गिवन है आपका। स्ट्रेंथन द क्रेडिट मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग करने की चीज़ जो है ना उसको मजबूत किया जाए, और अच्छी टेक्नोलॉजी लाओ और अच्छे स्किलफुल लोगों को लेके आओ। अप्रूवल के प्रोसेस पे काम किया जा सकता है ताकि उसका पीरियोडिक रिव्यू हो। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, हमारे पास और भी अच्छे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे काम कर सकते हैं जो डेवलपमेंट पे काम करें। रिस्क को मैनेजमेंट करने का ऊपर बताया गया था ना, रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसीज़। रिस्क मतलब क्या, बैंक ने 500 रुपये दे दिए, बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है 600 रुपये आएंगे, बैंक को आ रहे हैं 400 रुपये, रिस्क हो गया ना 200 रुपये का बैंक के लिए, उसको मैनेज कैसे करेगा, इसको लेकर भी उनको प्लान बनाना चाहिए। दे नीड टू वर्क अपॉन दिस थिंग। तो बैंक को बोलो कि अपना लोन का पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई करें, यानी कि एक ही तरह की कंपनीज़ बना दें, जैसे ऊपर देखा ना हमने मोस्टली जो एक्सपोजर्स थे वो पावर सेक्टर के थे, तो वो डाइवर्सिफाई कर दो, अलग अलग तरह की कंपनियों में दो, सर्विस सेक्टर में दो, है ना, एग्रीकल्चर वालों को दो, गवर्नमेंट को दो, दूसरे देशों में से जो कंपनीज आती हैं उनको दो, डाइवर्सिफाई कर दोगे तो एक जगह पर आपको लोड नहीं होगा। तो कुछ तौर तरीके बताए गए, सिंपल टॉपिक है, वेरी इजी, और ये प्रिलिम्स का टॉपिक है आपका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आते हैं इससे जुड़े हुए सवाल प्रिलिम्स में, आपको मिल जाएंगे सवाल। नाउ वी हैव टॉपिक नंबर 3.4, इसमें हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लेकर के। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है, एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। एक्नॉलेजेस गवर्नमेंट्स डेट ऑब्लिगेशन। देखो मैं तुम्हें आसान भाषा में सिखाता हूँ, तुम्हारा भाई सिखाएगा तुमको। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है ना, एक कागज़ होता है, ठीक है, उस कागज़ पर कुछ लिखा होता है, ये लिखा होता है कि सरकार, मान लीजिए आपको, मैं 100 रुपये से बात करूँगा, आपको 100 रुपये दे रही है, ठीक है, और इस 100 रुपये के बदले में आप जो भी 100 रुपये का इस्तेमाल करना चाहेंगे, ठीक है, आप इसको रिटर्न करेंगे सरकार को, सॉरी अरे मैं उल्टा बता गया। देखो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोलती है कि हमको पैसा चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट नीड मनी, राइट। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप बोलते हो यू कि मेरे पास पैसा है, आई हैव 500 रुपीज़, क्यों ना मैं 100 रुपये सरकार को दे दूँ, तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो यू आर इन्वेस्टिंग दिस 500 रुपीज़ में से 100 रुपीज़ आप सरकार को 100 रुपये देते हो। गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, मैंने आपसे 100 रुपये लिए हैं, ठीक है, मैं सर गवर्नमेंट इज सेइंग कि मैं आपको 5 साल के बाद रिटर्न कर दूँ, और कितने दूँगी, 130 रुपये। मतलब ये नंबर मैं ऐसे ले रहा हूँ हवा में, वो अलग अलग परसेंटेजेस होते हैं, वो चेंज भी होते रहते हैं। ये जो कागज़ होता है, ये कागज़ को बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। आपको क्या बेनिफिट मिल गया कि आपने पैसा सरकार के पास लगा दिया, सरकार उसका इस्तेमाल करेगी जो भी उसको काम करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको तो 30 रुपये मिल जाएंगे 5 साल के बाद एक्स्ट्रा, बट ये चीज़ करोड़ों में होती है तो उसमें बेनिफिट होता है अच्छा खासा, ठीक है। ये सिंपल होते हैं, ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं ये शॉर्ट टर्म की भी होती हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स, है ना। लॉन्ग टर्म की को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, डेटेड सिक्योरिटीज़। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है दोनों, ट्रेजरी बिल्स भी और बॉन्ड्स भी। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ बॉन्ड्स इशू करती हैं, उनको बोलते हैं हम लोग स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है ना, इनमें कोई रिस्क नहीं होता डिफॉल्ट होने का। भाई आपने सरकार को पैसे दिए, सरकार कहाँ भाग के जा रही है आपकी, प्राइवेट कंपनी को दोगे तो हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी डूब जाए। इसलिए सरकार वाले जो ये होते हैं ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, दे आर दी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, और इनको इस चीज़ के लिए एक शब्द दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, हाँ, दे आर कॉल्ड रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। गिल्ट एज्ड यानी कि इसका कोना कोना बहुत मजबूत है, ये टूटेगा नहीं, इसका जो एजेस हैं सारे किनारे गिल्ट से बने हुए, मजबूत हैं, गिल्ट के सिक्के होते हैं ना हमारे पास, ठीक है। तो ये जो सारी इसकी ऑक्शनिंग होती है गवर्नमेंट के लिए, तो RBI क्या, RBI किसका बैंक है, RBI गवर्नमेंट का बैंक है। सरकार का बैंकिंग वाला काम कौन करता है, RBI करता है। तो RBI ही आपसे पैसे लेगा, RBI ही आपको कागज़ देता है, RBI आपका सारा काम करके देता है। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, ठीक है, उसको बोलते हैं ई कुबेर, ठीक है, और द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन CBS प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ये सारी ऑक्शनिंग होती है, ठीक है। आसान भाषा में समझ में आ गया, T-bill और डेटेड सिक्योरिटीज़ का यहाँ पे ये सब आपके गिवन है, इससे ये आपको गिवन इन योर स्टैटिक्स, आपके स्टैटिक पोर्शन में, स्टैटिक सिलेबस में गिवन है, ये बुक में, सबके बुक में गिवन है, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव मैनी मैनी PYQs फ्रॉम दिस,
आ चुके हैं हमारे पास पहले क्वेश्चन। तो ये टॉपिक हम न्यूज़ में क्यों पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर क्या है अभी राइट नाउ के लिए। आरबीआई ने परमिशन दी थी लैंडिंग की और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, कुछ डायरेक्शन दिए थे उन्होंने, जिसमें उन्होंने नाम दिया आरबीआई डायरेक्शन। उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, ठीक है। क्या इंस्ट्रक्शन थे? गवर्नमेंट की जो लैंडिंग सिक्योरिटीज़ लैंडिंग है ना, उसका मतलब होता है लैंडिंग ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर अ फी बाय द ओनर टू अ बोरोवर ऑन कोलेट्रल ऑफ अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। नो नीड टू गेट इनटू दिस, ठीक है। जीसेक के अंदर जो टी बिल्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के, वो भी एलिजिबल होंगे, ठीक है, एज कोलेट्रल अंडर जीएसएल ट्रांजेक्शन। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इफ इट इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड डू नॉट वरी। ये वाले डायरेक्शन पर यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा। यूपीएससी जब क्वेश्चन बनाएगा ना, वो पता है क्या पूछेगा? मेंस में बताओ बेनिफिट क्या होते हैं जीसेक के। तो ये आपको याद होना चाहिए, एक तो ये रिस्क फ्री होती है, रिस्क कम होता है, ठीक है, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है क्योंकि ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देता है। यानी कि गवर्नमेंट बोलती है अगर मैं आपसे 100 रुपये ले रहा हूँ, मैं आपसे 10% रिटर्न करूँगा तो मैं 10% ही करूँगा, मैं चेंज नहीं करूँगा बाद में कि पहले अब मैं 8 दे रहा हूँ। चेंज वाले को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर जैसे कुछ SDL होते हैं ना, स्टेट वाले डेवलपमेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, उन पर ना आपको ईल्ड मतलब होता है कि प्रॉफिट कह सकते हो यहाँ पर, या फिर हम प्रोडक्शन भी बोलते हैं ईल्ड को कभी कभी, है ना, वो स्टेटमेंट के हिसाब से वो अच्छा खासा मिल जाता है आपको। फिर आप इसको अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपये थे, है ना, अब 1,000 रुपये में आपने कहीं 200 रुपये लगाए, कहीं आपने 100 रुपये लगाए, कहीं आपने 500 रुपये लगाए, है ना, कहीं आपने 300 रुपये लगाए, इस तरीके से। तो ये कितने हो गए? 1100 हो गए ना, तो चलो 100 रुपये ऐसे कर लें, 500, 600, 700, 800, 900, ये आपने 1,000 रुपये लगा दिए। तो आप एक चीज़ को अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा दोगे तो आपका ये पैसा थोड़ा सिक्योर रहेगा। मे बी ये वाला आपने रिस्क की जगह पर लगा दिया, शायद मार्केट में लगा दिया, स्टॉक मार्केट में पैसा डूब सकता है, मे बी आपने ये कहीं ऐसी जगह लगा दिया, तो आपने क्या कर दिया? डाइवर्सिफाई कर दिया। ये इन्वेस्टमेंट का एक रूल होता है डाइवर्सिफाई। ट्रेडेबल मार्केट है ना, और कोलेट्रल के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली आप कोलेट्रल के तौर पर मतलब कि आपके पास ना ये गिरवी भी रख, आप इसका गिरवी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, अगर आपको कहीं से रेपो मार्केट से पैसा उठाना हो, कुछ लेना हो लोन वगैरह, और आप बोलो कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैंने तो वहाँ लगा रखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का डॉक्यूमेंट दिखा करके पैसे उठा भी सकते हो, आप फंड्स भी बोरो कर सकते हो। तो इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। तो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बेनिफिट क्या क्या होते हैं। ओके, प्राइस डिस्कवरी को थोड़ा आसान किया कि कितना पैसा लगेगा जाएगा, है ना। वाइडर पार्टिसिपेशन पे काम करने के लिए बात की थी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। कुछ इनिशिएटिव लिए थे सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए, जैसे कि जीसेक एक्विजिशन प्रोग्राम है ना, आरबीआई मार्केट ऑपरेशन करेगा, आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट स्कीम थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंदर ना इन्होंने इंडिविजुअल के लिए अलाउ कर दिया था, इंडिविजुअल, ये आई थिंक ये आ चुका है आपके प्रॉब्लम्स में, है ना, शायद आ चुका है ये। तो रिटेल का डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट बनेगा। फिर आरबीआई का बॉन्ड फॉरवर्ड्स का डायरेक्शन का एक ड्राफ्ट है, अभी फाइनल हुआ नहीं है। तो स्कीम है नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग फैसिलिटी इन ऑक्शंस की। ये देखो, ये नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग फैसिलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर ट्रांजेक्शन्स इन ऑल, वो फ्यूचर पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नो नीड टू वरी अबाउट दिस वन। कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रिस्क को और भी कम करने की कोशिश करते हैं कि आप सिक्योरिटी को मेच्योरिटी तक पकड़ के रखें, है ना। मार्केट का रिस्क होता है, रीबैलेंस द पोर्टफोलियो, है ना। ये रीबैलेंसिंग का जो काम होता है ना, ये सब लोग करते हैं। क्या करते हैं कि कभी कभी आप देखते हो कि यार मैंने 100 रुपये यहाँ लगाए हैं, 100 रुपये मुझे 110 रुपये का रिटर्न आ रहा है, एक मेरे पास दूसरा मार्केट है वहाँ पर अगर मैं 50 रुपये लगा दूँ तो मुझे वहाँ 70 रुपये का रिटर्न आएगा। तो आप क्या करते हो, 100 रुपये में से 50 रुपये निकाल लेते हो और 50 रुपये दूसरी जगह लगा देते हो। अब यहाँ पर आपको जो 50 बच गए थे उसमें आपको 5 रुपये का रिटर्न आएगा, पर यहाँ पर आपने जो नए 50 लगाए उसमें आपको 20 रुपये का रिटर्न आएगा। तो पहले आपको टोटल 10 रुपये का रिटर्न आ रहा था, अब आपको 25 रुपये का रिटर्न आ रहा है। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर भी काम करती रहती है, ठीक है। पर मुझे लगता नहीं ये चीज़ UPSC आपसे पूछेगा मीन्स में। कंसर्न्स, है ना, चिंताजनक बातें क्या हैं? कैप्टिव इन्वेस्टर बेस, ठीक है। अब होता क्या है ना कि ऑल द पीपल दोज हू हैव इन्वेस्टेड द मनी, जिसने भी पैसा लगाया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कि ठीक है ले लो, सरकार भी काम करती रहेगी, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं ना। तो गवर्नमेंट को ही तो एक बेस चाहिए ना, गवर्नमेंट नीड अ बेस। गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड काउंट भी चाहिए होता है कभी कभी, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए सडनली और उसको मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा, है ना। अगर गवर्नमेंट के पास एक फिक्स बेस बन जाता है ना, तो उसके पास लिक्विडिटी अच्छी रहती है एनी टाइम पर,
ये चैलेंज रहता है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी चीज़ें स्टेबिलिटी में नहीं रहती हैं तो चैलेंज बना रहता है। ऑपरेशनल चैलेंज होता है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है उसमें रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया। रिटेल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल लोगों को भी पार्टिसिपेट कराने की कोशिश की गई थी। तो RBI का NDSOM प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। कभी कभी बाहर से पैसा आता है ना, तो जाहिर सी बात है अगर देश में बाहर से पैसा ज़्यादा आ रहा है तो इंडिया का जो रुपी होगा एप्रिसिएट कर जाएगा ना। अभी 80 है और इंडिया में कल को अगर 100-200 बिलियन आ जाएंगे बाहर से, तो हो सकता है 80 का 90 हो जाए, 100 भी हो जाए, हमें क्या पता। तो कोशिश ये भी करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि बाहर का पैसा भारत में कम आए, हमारा अपना स्ट्रांग हो जाए, रुपी को स्ट्रांग करना है। तो ये एक इशू बन जाता है एक्सचेंज रेट का। कभी कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है क्योंकि बायर भी नहीं होते हैं, है ना। मेजर रिस्क क्या होते हैं, मार्केट का रिस्क है, प्राइसेस अप एंड डाउन चलते रहते हैं, री इन्वेस्टमेंट का रिस्क है, इन्वेस्टमेंट रेट रिस्क, ठीक है। लॉन्ग टर्म की जो मेच्योरिटी होती है 5 साल से 40 साल तक भी हो सकती है। तो लोगों को लगता है कि यार पता नहीं, मतलब 5 साल तक मैं अपना इतना, 10 साल तक 40 साल तक अपना पैसा इतना इन्वेस्ट करूं, पता नहीं रिटर्न आएगा नहीं आएगा, पता नहीं तब तक मैं ज़िंदा रहूं यार, पता नहीं मेरे को इसका अभी मेरे को ज़रूरत है पैसे की, दिस एंड दैट, इट कीप्स ऑन हैपनिंग, ये चलता रहता है, ठीक है। सो नो नीड टू वरी ऑन दिस थिंग अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते भी हो तो। आगे हम क्या करें, मार्केट को यूनिफाई कर सकते हैं, है ना। वी कैन गो ऑन फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कॉरपोरेट बॉन्ड की तरफ जा सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपस में यूनिफाई होने लग जाएं, दोनों चीज़ों में कुछ एक लिंकेज बनने लग जाए तो कमाल हो जाएगा। इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डीमैट में, डीमैट का मतलब अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको सीधा बताता हूँ, स्टॉक मार्केट की बात की जा रही है, ठीक है। डीमैट अकाउंट स्टॉक मार्केट में बनता है। ये ऐप्स वगैरह नहीं आती, ज़ीरोधा की है, ग्रो की है, शून्या, एम स्टॉक्स वगैरह, तो ये क्या करते हैं जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उसका डीमैट का अकाउंट बनता है। तो कह रहे कि गवर्नमेंट को ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डीमैट में भी देनी चाहिए ताकि जो डीमैट होल्डर्स हैं वो बहुत सारे हैं, हमारे पास 120 मिलियन हैं, है ना। तो इतने करोड़ों में लोग हैं, 10-12 करोड़ लोग हैं, वो भी अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो मज़ा आएगा। फिस्कल फ्रेमवर्क, फिस्कल का मतलब होता है यहाँ पर पूरा का पूरा फाइनेंशियल फ्रेमवर्क। FRBM लेजिस्लेशन जो आई थी ना, FRBM इन इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रीलिम्स पहले PYQs आ चुके हैं इस FRBM से और मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन तरह का कानून बनाया गवर्नमेंट ने, तो ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। उसमें पता चलना चाहिए इन्वेस्टर के लिए कौन सा पाथ डिफाइन किया गया है। टैक्स के इंसेंटिव दे सकते हैं उन लोगों को जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं ना। तो क्या होगा कि लोगों को ये रहेगा कि यार अगर मैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीदूंगा, यानी कि मैं गवर्नमेंट में पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरे को पैसा मेरा बचेगा और मेरे को टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का एक लेवरेज दिए जाने की कोशिश की जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट की कुछ गारंटीज़ होती है। गारंटी का मतलब क्या, आप अश्योरिटी दे रहे हो, है ना। शब्दों को ब्रेक करके सीखो, बहुत आसान होता है। तो RBI की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक 32nd कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने देखा था कि ये जो गवर्नमेंट की गारंटीज़ होती है ना, इसकी मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, रिपोर्टिंग भी, तो उन्होंने कुछ इश्यूज़ बताए थे। ओके, अब गवर्नमेंट क्या करती है, एक कंटिंजेंट लायबिलिटी देती है। गवर्नमेंट बोलती है कि आपको मैं एक श्योरिटी देती हूँ कि आप इस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करो, आप यहाँ पैसा लगाओ, आपका पैसा वापस आएगा, ठीक है। किस बात की श्योरिटी, दैट योर इन्वेस्टमेंट इज़ सेफ, इन्वेस्टमेंट इज़ सेफ, ये श्योरिटी देती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करती है और इशू करती है गारंटी, किसके बिहाफ पे, स्टेट की कंपनीज के बिहाफ पे, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस पर, अर्बन लोकल बॉडीज़ पर, है ना। तो ये जनरली किसको दी जाती हैं, जो लोग पैसा उठा रहे होते हैं उनको, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, है ना, कमर्शियल बैंक्स वगैरह को भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी। प्रॉब्लम क्या होती है, गवर्नमेंट का खुद का फिस्कल रिस्क बढ़ जाता है। कभी कभी गवर्नमेंट का पैसा बहुत सारा बाहर चला जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी, वो जो इंस्टीट्यूशन था जिसके नाम पर, वो इंस्टीट्यूशन रिटर्न नहीं कर पा रहा, तो गवर्नमेंट का पैसा डूब जाता है, है ना। एक मॉरल हज़ार्ड भी क्रिएट होता है, है ना। तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है और इन्वेस्टर्स और लेंडर्स होते कभी कभी इतने मोटिवेट हो नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है कि गवर्नमेंट अगर गारंटी दे रही है बट गवर्नमेंट का फिर पैसा बाद में ना बहुत डिले हो जाता है ना, इट लेट आता है। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सारा पैसा लौटाती है, पूरा नहीं लौटा पाती, कुछ हद तक लौटा पाती है। तो गवर्नमेंट प्रोसेस को एक बूस्ट देने की कोशिश करती रहती है बट हो नहीं पाता गवर्नमेंट से, कभी कभी नहीं हो पाता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीज़, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैसे है, फॉर मेंस। तो जब मेंस वगैरह हम लिख रहे होते हैं ना, कभी कभी रिकमेंडेशंस लिखनी होती है, वे फॉरवर्ड, सजेशन, तो ऐसे लिखो, एज़ पर द RBI's रिपोर्ट, ठीक है, सिंपल, एज़ पर द RBI रिपोर्ट, द रिकमेंडेशंस आर कि क्लियरली डिफाइन करो अपने पर्पस को, ना, एक मिनिमम फीस निकालो गारंटी के लिए, एक सीलिंग, एक लिमिट लगा दो, ठीक है। और गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए अपना एक गारंटी का रिडेम्पशन फंड, एक गवर्नमेंट एक फंड क्रिएट कर ले, उस फंड में से गवर्नमेंट अपना वो सब चीज़ें करे, तो इट कैन वर्क।
वेरी नाइसली इफ़ लुक डेट इट प्रॉपरली। तो अभी कुछ पार्टिसिपेट्स हैं, 19 स्टेट्स हैं, उन्होंने एक ऐसा फंड सेटअप भी किया है तो काम कर सकता है। ठीक है, सिंपल टॉपिक था ये, अब तक का सबसे इस इकोनॉमी का सबसे टफ टॉपिक यही था और ये प्रिलिम्स के लिए ही है, सिर्फ प्रिलिम्स में आएगा टॉपिक। ओके फिनिश। इन द टॉपिक नंबर 3.5 वी विल स्टडी अबाउट पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। तो कुछ पेट्रोल के ना बेसिन होते हैं, पेट्रोलियम के बेसिन, जैसे रिवर के भी कुछ बेसिन्स होते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि वहाँ पर नीचे ज़मीन में हमको पेट्रोलियम मिलेगा। तो दो चीज़ें आपको अगर पता होंगी बेसिक से, कोल एंड दी पेट्रोलियम। कोल आता है लकड़ियों से, जो बहुत पहले के पेड़ पौधे जो ज़मीन में धस गए थे गहराई में, बहुत लंबे समय तक वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में रहे, तो उनसे बन जाता है लकड़ियों से कोयला। एंड जो एनिमल्स वगैरह थे ना, जानवर, बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जिनकी स्किन वगैरह भी होती है ना, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह के तरीके पूरे प्रोसेस में, वो बन जाता है पेट्रोलियम। जैसे हम लोग आज की डेट में पेट्रोलियम इज़ द बेस, ठीक है, हम क्रूड ऑयल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम से उसका फिल्ट्रेशन होता है, डिस्टिलेशन, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, देन इट कम्स केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें बाद में निकलती हैं। भारत में 26 ऐसे सेडिमेंटरी बेसिन्स हैं, है ना, और 49% जो ऐसा एरिया है वो ज़मीन पर है, 12% वो शैलो वाटर में है यानी कि 400 मीटर की गहराई तक है, 39% डीप वाटर में है जो कि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से दूर है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, हमारा जो किनारा होता है ज़मीन का, समंदर का किनारा, उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक का, ये चीज़ें होती हैं। सेडिमेंट्री बेसिन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, तो वर्ड सेडिमेंट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, है ना। तो ये वो एरिया होता है जहाँ पर अर्थ का जो क्रस्ट होता है ना, उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स की एक लेयर बन जाती है। अब ये तो रॉक्स वाला कॉन्सेप्ट आप लोग अपने ज्योग्राफी में पढ़ते हो, स्टैटिक में इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड ना, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, ये सब आप आराम से पढ़ लेते हो, नथिंग वेरी टिपिकल। तो ये जो बेसिन्स हैं उनको हाइड्रोकार्बन रिसोर्स की मेच्योरिटी के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक कैटेगरी, दो कैटेगरी, तीन कैटेगरी। फिर हम लोग जो क्रूड ऑयल को निकालते हैं ना, उसके मेथड्स होते हैं, एक होता है ऑफशोर, एक होता है ऑनशोर। ठीक है, ऑफशोर का मतलब होगा किनारे से थोड़ा दूर, जैसे अरेबियन सी में, समंदर में, बे ऑफ बंगाल में, आप लोगों ने देखा होगा ना, वो बड़ी बड़ी होती हैं, रिग्स होती हैं, ऑयल रिग्स, वो पानी में होती हैं, वहाँ से पानी में ज़मीन में अंदर जाकर ड्रिल करके वो निकाल रही होती हैं, किनारे पर होते हैं, ज़मीन पर होते हैं। ठीक है, भारत में ONGC जो है ये लार्जेस्ट ऑयल का गैस प्रोड्यूसर है, और भारत में जो भी हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन होता है उसका 72% ONGC के थ्रू आता है। अगर आप देखोगे तो ये एरिया है सारा, है ना, ये मुंबई, ये हमारे देश की बाउंड्री है, ये कॉम्बे है, दिस इज़ मुंबई, है ना, ये कैटेगरी वन वाले हैं। फिर कैटेगरीज आप देख सकते हो, तो ये कुछ एरिया है कृष्णा गोदावरी का, कावेरी का, तो इन रीजन में ड्रिलिंग वगैरह की जाती है, यहाँ से हाइड्रोकार्बन्स वगैरह समय समय से निकाले जाते रहते हैं। मेजरली काम कौन कर रहा है, ONGC। अब ज़रा देखते हैं टॉपिक न्यूज़ में क्यों था। रिसेंटली ONGC ने अपना पहला क्रूड ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट किया था कृष्णा गोदावरी के बेसिन से, जो कि है बे ऑफ बंगाल में, कृष्णा गोदावरी के बेसिन में इनका सेकेंड यहाँ पर कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। तो ये तो करंट अफेयर बस इतना बेसिक सा ही था, हमें बाकी जो चीज़ें याद करनी है वो हमारे स्टैटिक की हैं ऑलरेडी। पेट्रोलियम का एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए थे, एक DG ऑफिस बनाया था, डायरेक्टरेट जनरल बनाए थे। डायरेक्टर जनरल क्या होती है, ये एक पोजीशन होती है, इट इज़ अ पोजीशन, एक रैंक होती है ना, तो जैसे DGP होता है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो ऐसे ही डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनाया गया था। अप्रूवल के प्रोसेस को काफ़ी बेहतर कर दिया था, चीज़ों को डिजिटलाइज किया गया है, स्टैंडर्ड सेट किया गया। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कि आपने एक लिमिट सेट कर दी कि इतना तो होना ही होना चाहिए। एक डेटा रिपोजिटरी, एक काइंड कह सकते हो कि एक रजिस्ट्री बनाई गई थी 2017 में ताकि सारा डेटा उसमें हो। NDRs को हमने अपडेट किया था, वर्चुअल डेटा रूम्स बनाए गए हैं ना। हमारा एक विजन भी था, इंडिया हाइड्रोकार्बन विजन 2025, हम लोगों ने इससे पहले न्यूज़ इन शॉर्ट में कवर भी किया था एक बार। अब हम क्या करते हैं कि अगर इस प्रोसेस में एक्सप्लोर करने के लिए आपको मशीनें चाहिए, स्किल चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उसमें पैसा लगता है, फंडिंग इज़ रिक्वायर्ड। ये फंडिंग या तो डोमेस्टिकली आती है भारत में से, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि 100% आप FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर सकते हो, दूसरे देशों से भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक रूट से आएगा। ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या हो गया, हार्डली एनी अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड, मतलब बहुत ही माइन्यूट अप्रूवल चाहिए होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट रूट,
ठीक है। तो गवर्नमेंट रूट से क्या होता है कि आपको जिस डिपार्टमेंट में काम करना है, जैसे पेट्रोलियम में आपको FDI डालना है, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से पहले मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट रूट से। एक सिस्मिक प्रोग्राम भी है। अब सिस्मिक जो वर्ड आता है ना, इसका सिंपल आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, लैंड से बनाओ है ना, अर्थक्वेक से बना लो जैसे। तो अर्थक्वेक अपने आप में एक सिस्मिक एक्टिविटी है ना, तो सेडिमेंटरी बेसिन वगैरह के अप्रेजल के लिए इस पर काम किया जाता है। अगर आप देखते हो तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी और ऑयल कंज्यूमर है, यानी कि विश्व में जितना भी तेल और जितने भी ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा था उसमें हमारा देश तीसरे नंबर पे आता है। हमारा जो ऑयल और गैस है ना, इससे हमारी प्राइमरी एनर्जी का 33% यानी कि ऑलमोस्ट 1/3 आता है। लेकिन हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है ऑयल की, वो 85.7 थी पहले, नेचुरल गैस की 48.3 थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा, मुझे लगता है ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा इसको, तो आप मतलब रख लो तो बहुत अच्छी बात है, बट दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये थोड़े वैल्यूएबल डेटा है। ऑल राइट, अब देखो पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर प्रोड्यूस करना है, इस प्रोसेस में बहुत सारा पैसा लगता है। आपको पता है ना कि कोविड के टाइम पर नेगेटिव में चले गए थे प्राइसेस। वो नेगेटिव में कैसे गए थे, ये प्रोसेस क्या होता है, तभी टॉपिक न्यूज़ में बना था। फिर वो जो वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट जो है क्रूड ऑयल का जो बेंचमार्क होता है, वो क्वेश्चन आया था आपके प्रीलिम्स में, जाकर के देखना 2020 का 21 का, प्रोबेबली 2020-21 का जो PYQ है ना प्रीलिम्स का देखना, WTI पर क्वेश्चन आया था। WTI पर था आई थिंक ब्रेंट, तो ये कुछ बेंचमार्क्स है ऑयल के। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि हम लोग पेट्रोलियम को जो निकाल रहे हैं ना, हम लोग जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लो हम लोग को एक्सट्रैक्ट करने में, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 लीटर को एक्सट्रैक्ट करने में रुपए लगते हैं 1000 ही, मान लेते हैं 1000 लीटर के लिए 1000 रुपये लगते हैं, ठीक है। फिर इसको बेचते कितने में, वो इसको बेचने का जो प्राइस होता है ना, वो तो 1 लीटर का जो प्राइस होता है वो कंपैरेटिवली मान लो आप 0.5 रुपीज़ होता है। क्यों, उन्होंने ये कहा था कि कोविड के टाइम पर थिंग्स आर हैपनिंग इन अ वेरी डिफरेंट पेस। सॉरी मेरा फ़ोन बज गया था। तो कोविड के टाइम पर ये हो रहा था कि ना ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, शिप्स बंद हो गए, मशीनरीज बंद हो गई, इंडस्ट्रीज बंद हो गई। उन्होंने कहा कि भाई ये जो मशीन लगा रखी है ना हमने एक्सट्रैक्ट करने की, ये अगर हमने बंद कर दी ना, तो जितना पैसा इसको रीस्टार्ट करने में, सेटअप करने में लगेगा ना, उतना तो हम कमाते भी नहीं है। दैट्स वाई व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया था कि जो रिजर्व्स थे ना उनको भरना स्टार्ट कर दिया, रिजर्व मतलब स्टोरेजेस को पेट्रोलियम से भरना स्टार्ट कर दिया, रिजर्व हो गए कोविड में फुल। अब क्या करें कंपनीज जो एक्सट्रैक्शन वाली थी, तो उन्होंने कहा एक काम करो, हम ही से पैसा ले लो भगवान के लिए, लेकिन ये पेट्रोलियम खरीद लो, यानी कि हम तुमको पैसा भी देंगे खरीदने का पेट्रोलियम का। जनरली आप क्या करते हो, आप किसी को सामान देते हो तो आप बदले में पैसा लेते हो। कंपनीज ने कहा नहीं भाई तू पैसा मत दे, तू बस पेट्रोलियम ले जा। तो खरीदने वाला बोलेगा कि ये कमाल हो गया। उन्होंने कहा कि हाँ अगर हम इसको निकालना बंद कर देंगे ना, इस पूरे प्रोसेस को रीस्टार्ट करेंगे, वो हमको ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो हम अभी तुमको पैसा देंगे वो हमको फिर भी फ़ायदा में रहेगा, इसलिए वो प्राइसेस नेगेटिव में चले गए थे। तो बड़ी न्यूज़ आई थी काफ़ी। अगर आप लोग में से कोई है जो बिल्कुल नया नया है प्रिपरेशन में, थोड़ा सा कोविड में टाइम में जाकर के चेक कर लेना, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। बहुत एडवांस लेवल की ड्रिलिंग चाहिए होती है इसमें, और जाहिर सी बात है कभी कभी वो लीक्स हो जाते हैं, दूसरे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तमिलनाडु के अंदर जो इन्नौर था वहाँ पर ऑयल स्पिल हुआ था। एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, ड्रिलिंग करते हो पाइपलाइन वगैरह डालते हो तो ज़मीन को भी आप नुकसान पहुँचाते हो, तो हैबिटेट्स का नुकसान होता है। फिर ड्रिलिंग के एरिया को पूरा डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, वहाँ पर रहने वाली जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं आप उनको डिस्प्लेस करते हो, तो उनके संस्कृति में कुछ बदलाव आते हैं, ये सब तो देखो होगा। बात आती है इंडिजीनियस पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन की। इंडिजीनियस मतलब हम अपने ही देश के भीतर इस काम को जब करते हैं, हाउ कैन वी लेट इट हैपन एंड हाउ वाई शुड बी लेट इट हैपन। दूसरे देश से खरीदना कम पड़ेगा है ना, खरीदना कम पड़ेगा तो हमारे पास जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है वो भी थोड़ा सेफ रहेगा। फिर कभी कभी ना विश्व के अंदर ना बहुत सारी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ आती है। अभी क्या हो रहा है, इसराइल का चल रहा है, गाज़ा वाला चल रहा है ना, रशिया है, यूक्रेन है। अब रशिया यूक्रेन के टाइम पर इंडिया ने रशिया से जब ऑयल परचेज़ किया था कितना शोर हुआ था, कितनी सारी कंट्रीज़ वर सेइंग की अलाउ नहीं होना चाहिए। तो इस सब प्रोसेस में व्हाट हैपन्स ना कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ के टाइम पर ना वो देश जो अपना खुद का प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो तो सेफ होते हैं, उनको लगता है कल को वॉर हो गया तो हमें किसी को तेल देने की ज़रूरत नहीं, अपने आप काम चला लेंगे। इसलिए एक स्ट्रेटेजिकली हमको चाहिए कि हम अपने यहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस कर पाएँ।
फिर अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ को आप ऐसा लेकर के वो बेच भी सकते हो, तो आपके पास पैसा भी आएगा, लोगों को काम मिलेगा, है ना। सारा सेटअप करने में स्किलफुल लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, तो मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं अगर आप इंडिजिनसली अपनी ही कंट्री में। देखो इसलिए इकोनॉमीज़ के अंदर ना जो मेजर बात होती है ना वो होती है रिसोर्सेज की। जिस देश के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं ना वो देश पावरफुल होता है। अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास रिसोर्सेज बहुत हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अफ्रीका में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए वो जो देश है ना वहाँ पर मोस्टली गरीब देश हैं। चाइना हो गया, US हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, रिसोर्सेज यहाँ पर भी हैं, हम लोगों ने उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट अच्छे से कर लिया है। तो अफ्रीका के बारे में डेवलपमेंट पे जब भी बात होगी ना ऑलवेज फोकस करना कि अफ्रीका नीड्स स्किलफुल पीपल टू यूज़ द रिसोर्सेज, तब उनकी इकोनॉमी जो होगी ना वो ऊपर उठेगी। ऑलराइट, बेसिक बातें हैं ये समझने की। तो आगे हम क्या करें, अब वे फॉरवर्ड में क्या जाएं। अब सारे प्रॉब्लम हम लोगों ने देख लिए, हमने सिग्निफिकेंस भी देख लिए कि फ़ायदा क्या होगा अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने देश में ज़्यादा। और भाई इन्वेस्टमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगी, बाहर की देशी कंपनियां भी होंगी जो पैसा लगाएंगी, तो दूसरी कंपनियां आएंगी वो सेटअप भी करेंगी, तुम्हारा टैक्स बेस भी बढ़ेगा, उनको टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा, है ना। फिर इंडस्ट्रीज़ को, स्कूल्स कॉलेजेस को आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे ना, तो रिसर्च अच्छा होगा। और एक वाडिया इंस्टीट्यूट है, उन्होंने हमारा जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है उनके साथ एक MOU साइन किया था, है ना, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग उस पर काम करेंगे अमगुड़ी में और उसके अपर असम के एरिया में। एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन सस्टेनेबल तरीके से हो जाएगा, तो उसमें असम स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने IUCN के साथ पार्टनरशिप की थी, एग्रीमेंट था कि भाई किस तरीके से ऑयल का जब एक्सट्रैक्शन होता है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है बायोडाइवर्सिटी पर, उस पर काम किया जाएगा। फिर कभी कभी ना तेल जो होता है बिखर भी जाता है, स्पिलिंग होती है, ओशियन में भी स्पिलिंग होती है, ज़मीन पर भी होती है, उसके कारण बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान होता है। तो जो लोग काम कर रहे होते हैं ना इंडस्ट्री के जो पर्सन, उनको ट्रेन किया जाएगा। एक मेथड होता है ऑयल जैपर्स लगाने का, है ना, आप देखोगे ये पूरा वीडियो देख लेना यूट्यूब पर, छोटा सा एक ऑयल जैपर का जस्ट सर्च रैंडमली, आपको समझ में आएगा ऑयल जैपर्स काम कैसे करते हैं। वहाँ रहने वाली आसपास की कम्युनिटी पर बहुत तरह के प्रभाव पड़ते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करना पड़ता है, उनके फाइनेंसेस, उनके लाइवलीहुड का नुकसान होता है, तो उन पर होने वाले सारे प्रभाव को हम मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट मतलब टू रिड्यूस द इम्पैक्ट। अब एक चीज़ जो हम पहले भी कई बार कवर कर चुके हैं और अब भी कर लेते हैं, एक चीज़ होती थी पहले थी नेल्प, ठीक है, अब आ गई हेल्प। तो अर्लियर इट वॉज नेल्प, नाउ इट इज़ हेल्प, ठीक है। क्या होता है ना, ये एक लाइसेंस होता है किसके लिए, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह के एक्सप्लोरेशन के लिए। तो पहले एक लाइसेंस करने की एक पॉलिसी थी, हमने उसको रिड्यूस कर दिया था 2016 में, हेल्प लेके आए थे, ठीक है। तो वो अपनी चॉइस से सारी चीज़ें, रिजर्व्स, बेसिन वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, उस पर काम कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, बस लाइसेंस का प्रोसेस है, ठीक है। तो पहले जो था ना प्रॉफिट, पहले जो ये था ना नेल्प जो था, तो नेल्प जो था ये था प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर, यानी कि जो एक्सप्लोरेशन करेगा ना हाइड्रोकार्बन का ज़मीन में, जो कंपनी वगैरह होगी उसको लाइसेंस देंगे, फिर उसको जितना प्रॉफिट होगा ना उसमें से गवर्नमेंट को कुछ पैसा मिलेगा। हेल्प में हमने क्या कहा, हमने कहा नहीं भाई प्रॉफिट से नहीं, ऐसे तो फ़ायदा नहीं हो रहा, तुम तो प्रॉफिट में कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, एक काम करो जितना भी रेवेन्यू हो ना उस रेवेन्यू का शेयर देना स्टार्ट कर दो। तो ये बनता है रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडल, है ना। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास थोड़ा पैसा भी आने लगा और रेगुलेशन भी इम्पॉर्टेंट था वो हो गया। कुछ अनकन्वेंशनल पेट्रोलियम के रिसोर्सेज भी होते हैं, जैसे लेस परमिएबल रॉक्स। लेस परमिएबल मतलब होता है कि आप उसमें पेनेट्रेट कितना कर सकते हो। कुछ कुछ पत्थर ऐसे होते हैं वहाँ पर ना ड्रिलिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पर भी ऑयल और नेचुरल गैस होती है ना, तो हम लोग उसको एक्सप्लोर वगैरह नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कोल बेड मिथेन होता है, शेल गैस वाला होता है, ना गैस हाइड्रेट्स भी होते हैं। अभी कोल बेड मिथेन, सी वी हैव रेड दिस टॉपिक इन एनवायरनमेंट, मिथेन की गैस होती है लेकिन ऐसे रीजन में होती है वहाँ पर 80-90% मिथेन होता है। शेल गैस वाला जो होता है ना, तो इसमें भी फ्रैक्चर्स वगैरह करने पड़ते हैं सोर्स रॉक के अंदर, और हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग का इस्तेमाल करते हैं। गैस हाइड्रेट्स भी होते हैं, आइस जैसे कुछ क्लैदरेट्स होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं अनकन्वेंशनल पेट्रोलियम रिसोर्सेज के, इन पर भी काम चलता रहता है, ये भी इस्तेमाल होते रहते हैं। ईजी टॉपिक, सिंपल टॉपिक, हाँ ये हो सकता है कि मैप इसमें आ जाए आपका, ठीक है, फॉर प्रीलिम्स। तो मैप में जनरल इतना ही ध्यान रखना कि भारत में आपको दिख जाएंगे। अब आपसे कॉम्बे के बारे में ही पूछ लेंगे वो,
कॉम्बे कहाँ पर है, ये थोड़ा सा हमारा गुजरात वाले रीजन के पास पड़ता है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी बेसिन, ये तो आपको रिवर्स ही पता होगा। यू नो एवरी ईयर देर इज़ वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिवर, रिवर की मैपिंग आपको करनी पड़ती है ज्योग्राफी से, हर साल ही क्वेश्चन आता है। तो जस्ट हैव अ लुक, है ना, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू। तो अगर आप देखोगे कैटेगरी वन वाले जो हैं दे आर बीइंग प्रोड्यूस एंड एक्सप्लॉयटेड, है ना, कैटेगरी टू वाले रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे, मोनेटाइज होंगे, है ना। कैटेगरी थ्री के अंदर ये प्रोस्पेक्टिव रिसोर्सेज हैं कि फ्यूचर में शायद यहाँ 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 हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स, है ना, यहाँ पर ये जो कैटेगरी टू वाले दिख रहे हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट अप्रूवल आ चुका है, और ये जो डार्क डार्क थे कृष्णा कावेरी टाइप वाले जो बेसिन जो कैटेगरी वन में आते हैं यहाँ पर तो काम चल ही रहा है, एक्सप्लोरेशन इज हैपनिंग राइट नाउ ऑल्सो। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस मैप इन लिट अ लिटल बिट, नॉट इन वेरी डेप्थ, अ लिटल बिट, हैव सम आइडिया अबाउट दिस। रिसेंटली जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस थे जो इन गिवन माइंड मैप से डूएबल थे। अगर आपको भी इस तरह के माइंड मैप्स कलेक्ट करने हैं एंड यू वांट मोर देन 900 ऑफ सच माइंड मैप्स जो आपको एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, देन डाउनलोड लिंक ऑफ ऑल दिस 900 प्लस माइंड मैप्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। वेरी सिंपल, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ऐसा खाना जिसको आप प्रोसेस करते हो, वो नहीं कि आप सब्जी लेके आए और आपने बनाया, कुक किया ना, आपने कंज्यूम कर लिया, जी नहीं, जो आप कैंस में कंज्यूम करते हो, टेट्रा पैक्स में, पैक्ड्स जो पैकेजेस आते हैं ना, जैसे सफल मटर होता है ना पैकेट में बंद होता है, वो एक प्रोसेस फूड में काउंट होगा। आप लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह कंज्यूम करते हैं, चिप्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, ये सब होते हैं प्रोसेस्ड फूड। तो भारत डेयरी प्रोडक्शन में नंबर वन है, है ना, हॉर्टिकल्चर में हम सेकेंड आते हैं। हमारा जो ग्रोथ रेट रहा है पिछले 5 सालों में वो 8.3% था। अब ग्रोथ रेट का मतलब क्या होगा कि भाई अगर आपने फॉर एग्जांपल एक साल में आपने 100 केजी कोई चीज़ प्रोड्यूस की तो अगले साल आपने कितने की, 108। अब इस 108 के ऊपर फिर अगले साल और 8.3 ऐसे ना, तो वो ग्रोथ रेट ऐसे काउंट होता है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट कि एग्रीकल्चर फूड की जो एक्सपोर्ट थे, यानी कि जो निर्यात था भारत से, जो बाहर जो खाना जा रहा था, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 22.6 था, विच इज़ वेरी गुड। एग्रीकल्चर के थ्रू अगर 22.6 तो ये और बढ़ना चाहिए क्योंकि हमारी कैपेसिटी ज़्यादा की है। भारत के अंदर ये जो प्रोसेस्ड फूड का एक्सपोर्ट है ना, ये 150% तक बढ़ गया है पिछले 9 सालों में। वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसकी, $53 बिलियन। ठीक है, तो अगर आप देखो कि 1 बिलियन के अंदर करोड़ कितने होते हैं, तो 100 करोड़ होते हैं, तो 1 बिलियन इज 100 CR। 53 बिलियन का मतलब 53 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 100 को अगर आप 53 बार लिखोगे, फिर उसको डॉलर का कन्वर्जन कर लो, 80 के हिसाब से लगा लो डॉलर का कन्वर्जन, तो ये अमाउंट बहुत बड़ा जाता है। तो फूड प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास भारत में वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कि कोई भी रॉ प्रोडक्ट होगा, है ना, उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसी को हम बोलते हैं कुछ टेक्निक्स के इस्तेमाल से फूड प्रोसेसिंग। उसकी शेल्फ लाइफ जो होती है ना वो इंक्रीज होती है। शेल्फ लाइफ मतलब कब तक वो सस्टेन करेगा, कितना लंबा वो चलेगा। तो ये प्रोसेस बहुत हेल्पफुल होता है प्रोसेसिंग के कारण, है ना। कुछ में हम लोग कभी कभी जैसे माल न्यूट्रिशन होते हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत सारे फोर्टिफिकेशन करते हैं। फोर्टिफिकेशन मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि भारत के अंदर रिसेंटली राइस फोर्टिफिकेशन पर काफ़ी फोकस किया गया था, प्रधानमंत्री जी ने उस चीज़ को बहुत पॉपुलराइज किया था बिफोर दिस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स से पहले। एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ाते हैं क्योंकि लॉजिस्टिक्स होगा, ट्रेडिंग होगा, पैकेजिंग होगा, है ना, कंपनीज में काम होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा डेवलपमेंट होता है क्योंकि चीज़ें जब देश से बाहर जाएंगी तो डिमांड बढ़ जाती है उनकी कि और भी चाहिए, तो किसानों को फ़ायदा मिलता है ना। फिर इस प्रोसेस में हम नई नई तकनीकों पर और काम करते हैं, है ना, कंपनी उसमें आपस में होड़ लग जाती है ना कंपटीशन की, हमारा अच्छा खाना है, हमारा फूड नेचुरल है, हमारा ऑर्गेनिक है, हमारा सस्टेनेबल है, हमारे में हमने इतना कार्बन डाइऑक्साइड का कम एमिशन किया। आजकल तो चीज़ें एनवायरनमेंट स्पेसिफिक हो गई हैं, है ना, कुछ कंपनीज क्लेम करती है कि हमारा ऑर्गेनिक भी है और हमारा वेजिटेरियन फूड है, कुछ बोलती हैं ऑर्गेनिक है और नॉन वेजिटेरियन है, तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आर हैपनिंग। सो क्या करता है व्यक्ति, अपनी कंपनी को चलाने के लिए नई नई टेक्निक्स पे काम करता है। ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास ज़्यादा आएगा, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का मतलब रिजर्व, एक तरीके से आपने एक फंड क्रिएट करके रखा हुआ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप उससे आसानी से व्यापार कर पाओगे। भारत में इस चीज़ को बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे पास 1985 में वी हैड दिस अपेदा, दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड का एक्सपोर्ट डेवलपमेंट की अथॉरिटी, कि भारत में किस तरीके से इन चीज़ों को हम लोग ज़्यादा दूसरे देशों तक भेज पाएंगे, उसके लिए हमने एक अथॉरिटी बनाई। मरीन के लिए भी हम लोगों ने MPDA बनाया, पैकेजिंग का हमने एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग बनाया। देखो पैकेजिंग को लेकर ही सिखाने के लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स हैं।
एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल बनाया गया था, एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट पॉलिसी भी हमारे पास 2018 की, वंडरफुल स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट सो फार। तो कोई भी इंडस्ट्री हो अपने अपने चैलेंजेस तो कैरी करती हैं, साथ में हम लोग एक हाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पास अभी राइट नाउ अवेलेबल नहीं है। अभी हम लोग स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर में ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल होता चैलेंज तो आएगा ही, है ना, स्टोर कहाँ करना है, ट्रांसपोर्ट कैसे करें, लोन वगैरह नहीं मिल पाता, फैसिलिटी सेटअप करनी हो, मान लो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना हो, एक और स्टोरेज लगाना हो, गोदाम लगाना हो, तो लोन लेना पड़ेगा। क्वालिटी पे काम नहीं कर पा रहे हैं तो कभी कभी पेस्ट इन्फेस्टेशन होता है ना, कुछ खाने ऐसे मिल पाए गए थे जहाँ पर खाने के पदार्थों में कुछ ना कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पाए गए थे, तो अगर हम उसको और बेहतर तरीके से कर देंगे तो ये शिकायतें हमारी ख़त्म हो जाएंगी। कुछ कुछ कम कंट्रीज़ जो होते हैं ना, जो यहाँ से खाना जाता है दूसरी कंट्री में पैक ओवर के, वो इंपोर्ट नहीं करती हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर रूल्स हैं, यही क्वालिटीज़ होनी चाहिए तभी हम इंपोर्ट करेंगे, ये प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो कभी कभी उसमें रुकावटें बन आ जाती हैं। अगेन चैलेंजेस हैं, इनको क्या करोगे, 180 डिग्री पलट दो, रिवर्स करके वे फॉरवर्ड आ जाएगा, है ना। हमें एक मार्केट ओरिएंटेड चीज़ पे काम करना पड़ेगा, हमें लार्ज स्केल फूड प्रोसेसिंग पे जाना पड़ेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, मीडियम और स्मॉल सेक्टर में काम कर रहे हैं, है ना। फिर फार्मर्स और जो प्रोसेसर्स होते हैं दोनों के बीच में हम लोग FPOs के थ्रू अच्छा कनेक्शन कोलैबोरेशन करवा सकते हैं, ताकि बीच में जो मिडिल मैन वगैरह होते हैं जो पैसा खा जाते हैं, जिससे किसानों को भी नुकसान होता है और आगे हमारा जो एक्सपोर्ट होता है उसमें भी दिक्कत आती है, तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में गवर्नमेंट ने स्टेप्स तो लिए हैं, है ना, APEDA, MPEDA, IIP, EIC, एग्रीकल्चर पॉलिसी, बट वी कैन वर्क मोर ऑन दिस थिंग, है ना, और भी इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं R&D में। एक्सपोर्ट को ना थोड़ा कॉम्पिटेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा दूसरी कंट्रीज लिमिट लगा देती हैं, तो क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा, सेफ्टी को अश्योर करना पड़ेगा। इसके अलावा भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा, है ना, इसमें फूड पार्क्स बनाए जा रहे हैं, तो फूड पार्क्स तो आप लोगों ने देखे भी होंगे कहीं ना कहीं पर। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो ये क्लस्टर्स बनाए जाएंगे कि भाई इस एरिया में ये वाला प्रोडक्ट जो है ना उसकी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगी, उसकी क्वालिटी को इंश्योर किया जाएगा। PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि आप इतना प्रोड्यूस करोगे इतने परसेंट आपके प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट आपको इतना इंसेंटिव देगी, वो 4-6% का होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम लोगों ने 100% FDI अलाउ कर दिया FPIs में, है ना। किसान उड़ान और कृषि रेल स्कीम भी थी, ताकि जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, पेरिशेबल मतलब वो खाने की चीज़ें जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने रेल स्कीम्स में, उड़ान में, यानी कि फ़्लाइट से भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई, ताकि देश में या फिर देश से बाहर भी लेना, मतलब देश के अंदर का ज़्यादा है ये, कि चीज़ों को टाइम से पहुँचाया जा सके। अब जैसे कुछ टमाटर हो गया, अब टमाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना हो तो यू नीड ना हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट, अदरवाइज ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे पेरिशेबल आइटम जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं उनके लिए ऐसे स्कीम्स भी लेके आई थी गवर्नमेंट। सिंपल टॉपिक है ना, पर ध्यान रहे ये जो टॉपिक है आपका मेंस का है, ठीक है, दिस इज़ अ मेंस टॉपिक, ओके, इजी। नाउ वी हैव अ स्मॉल टॉपिक 3.7, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आप लोगों ने इसके बारे में पहले कहीं ना कहीं सुना भी होगा। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, साल 2000 में आई थी। रूरल गांव के दूर दराज के इलाके जो भी एलिजिबल होंगे वहाँ पर एक ऐसी सड़कें बनाई जाए जो सभी मौसमों में काम करेगी, कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कहाँ कहाँ बनाई जाएगी, प्लेन एरियाज़ में जहाँ की पॉपुलेशन का साइज़ मोर देन 500 और हिली एरियाज़ में जहाँ की पॉपुलेशन का साइज़ मोर देन 250 है। पहला फेज़ 2000 में आया था, दूसरा 2013 में, फिर 2016 में इसको रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो लेफ्ट विंग एरियाज़ होते हैं वहाँ के लिए भी आया था। 2019 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का थर्ड हम लोगों को फेस देखने को मिला था। फ़ायदा क्या होता है भाई, लोगों के पास रहने के, काम करने के रोज़गार नहीं होते हैं तो उनको काम करने के लिए एक रोज़गार मिल जाता है, है ना, आने जाने की सुविधा हो जाती है, मार्केट जाना आसान हो जाता है, है ना, फिर बड़े शहरों में जाना उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बच्चों को स्कूल के लिए बसेस गाँव तक पहुँच जाती हैं अब, है ना, महिलाओं के पास एक आज़ादी होती है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, है ना, वहीं बच्चे स्कूल में जा सकते हैं, महिलाएँ लड़कियाँ स्कूल में जा सकती हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप। चैलेंजेस क्या आते हैं, कभी कभी 41% जो टोटल रोड्स हैं वो अपनी पुअर स्टेट कंडीशंस में, और इसका कारण ये भी होता है कि इनकी फंडिंग नहीं आती। कभी कभी सड़कों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, टेंडर किसको देना है कॉन्ट्रैक्ट की बात करनी होती है, तो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि ना वो सस्ते में टेंडर ले लेते हैं, सस्ते में लेकर के ना फिर वो उसकी मटेरियल की क्वालिटी भी सस्ती वाले लगाते हैं, तो वो भी नुकसान हो जाता है। फिर इनको स्कीम के हिसाब से 10 साल के लिए बनाया जाना चाहिए, पर अक्सर ऐसा होता है कि इनका जो डिज़ाइन होता है वो 10 साल तक नहीं टिक पाता।
फिर जहाँ हैबिटेशंस का जो डेटा यूज़ कर रहा है ये स्कीम, वो 2001 के सेंसस का यूज़ कर रहा है, विच इज़ एन ओल्ड डेटा। तो कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि भाई पैसा लगातार आता रहे, क्वालिटी कंट्रोल पे काम करो, है ना, साइट्स का वैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है, और बिडिंग प्रोसेस को ध्यान दो, ऐसा ना हो कि लोअर बिडिंग के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। और इस तरह से पोस्ट कंस्ट्रक्शन जो मेंटेनेंस होगा 10 साल का होगा, इस पर ध्यान देना है, और 2011 का जो सेंसस था उसका इस्तेमाल किया जाए। छोटा टॉपिक है, है ना, टॉपिक न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एक पार्लियामेंट्री पैनल था, उन्होंने रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को बोला था कि भाई ये जो स्कीम है ना, इसमें पुअर क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चेक कीजिए कहीं प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ अ प्रीलिम्स टॉपिक, लेकिन ये स्कीम मेंस में भी पूछी जा सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबी स्कीम है और बहुत सक्सेसफुल भी रही है, ऐसी बात नहीं, कमियाँ तो आती हैं, सारी स्कीम में कमियाँ आती हैं, बट काफ़ी लंबे समय तक इस स्कीम ने सक्सेसफुली अपने आप के काम किया है। नाउ लेट अस स्टार्ट द बिगेस्ट टॉपिक ऑफ इकॉनमी, जो कि है न्यूज़ इन शॉर्ट। बहुत ज़्यादा न्यूज़ इन शॉर्ट है, और मैं आपको पहले डरा देता हूँ, देखो 3.8.1 से स्टार्ट होकर के ये कहाँ जा रहा है, कितने सारे पेजेस हैं, पेजेस आई थिंक ज़्यादा नहीं है, बट भाई इट इज़ गोइंग अप टू 30। मतलब मैंने पहले, इससे पहले मुझे याद भी नहीं है कि कभी हमने इतने सारे न्यूज़ इन शॉर्ट एक सेक्शन से कवर किए हों। 20 तक आ जाते थे, बट ये कुछ ज़्यादा ही आगे गए हैं, बट ईजी हैं सारे, टफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये महीना जो है थोड़ा सा जनवरी वाला, इसके बाद फिर वो बजट वाला मंथ भी आता है ना, फेब की मैगजीन जो आएगी, मे बी उस कारण से। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है, ठीक है, हांगकांग से ऊपर चले गए हैं, डेटा ब्लूमबर्ग ने कंपाइल किया है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आप ट्रेडिंग करते हो सिक्योरिटीज़, इसमें स्टॉक्स भी होते हैं, बॉन्ड्स भी होते हैं, ETF भी होते हैं। एक प्राइमरी मार्केट होता है जहाँ पहली बार करते हो, सेकेंडरी मार्केट यानी कि आपने कर दिया ऑलरेडी, जो सेल हो चुका है उसको फर्दर सेल करना होता है, तो उसके लिए वी हैव स्टॉक एक्सचेंज लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE वगैरह हो गया। ऑलराइट, तो मेजर इन्फॉर्मेशन तो यही थी, सेबी कंट्रोल करता है, जो 1992 में आया था सेबी एक्ट, एक स्टेचुटरी बॉडी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। RBI जो है वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है। डायरेक्ट लिस्टिंग हो रही है पब्लिक इंडियन कंपनीज़ की, ठीक है, इसको ज़रा जानने की कोशिश करते हैं, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ पहले, अच्छा वो इस टॉपिक में नहीं था। अब इंडियन कंपनीज़ है ना, तो गिफ्ट का आपको पता होगा, गिफ्ट इज़ इन गुजरात, तो ये एक ऐसा एरिया बनाया गया है जहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छे तरीके से, बेसिकली एक हब बना दिया गया है, ठीक है, जहाँ पर मेजर इंस्टीट्यूशंस, मेजर कंपनीज़ जो हैं अपनी प्रेजेंस में रहती हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो इंडियन कंपनीज़ है ना, उनकी पब्लिक लिस्टिंग हो जाएगी अब, ठीक है, गिफ्ट पर। कैसे किया गया था, जो हमारी कंपनीज़ के रूल्स है 2024 के, उनमें ऐड किया गया, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो रूल्स हैं उनमें कुछ बदलाव किए गए थे। फ़ायदा क्या होगा, अब कंपनीज़ को ना फॉरेन कैपिटल सस्ते मिल जाएगा, क्योंकि गिफ्ट का जो एरिया होता है ना, ये जो जोन्स बनाए जाते हैं ना, जो इस तरह के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स टाइप के, उनमें आपको गवर्नमेंट एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव देती है, है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी और फ़ायदा होगा। ऑलराइट, तो मल्टीपल बेनिफिट्स वी हैव। नेक्स्ट इज आधार बेस्ड पे इज मैंडेटरी फॉर मनरेगा। देखो मनरेगा क्या है, इसके बारे में आपको मालूम होगा, यहाँ पर गिवन है कि नहीं गिवन है। तो मनरेगा में क्या होता है ना, कि आपको 100 दिन का एक वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कि सरकार बोलती है कि वो लोग जो स्किलफुल नहीं है, ध्यान रहे मनरेगा में ना नॉन स्किलफुल काम किया जाता है, ठीक है, तो उनको 100 दिन का रोज़गार मिलेगा, ठीक है, रूरल हाउस होल्ड होना चाहिए, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, हाथ से काम करेगा उसके लिए। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए आधार पेमेंट का सिस्टम जो था उस पर काम करना स्टार्ट किया था, अभी मैंडेटरी हो गया उनके लिए, ठीक है। ABPS की वर्किंग कैसे होती है, सबके पास 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, ठीक है, तो उनके जॉब कार्ड के साथ उसको अटैच कर देते हैं, तो उनको सैलरी वगैरह उनके अकाउंट में चली जाती है, बहुत सारे बीच में फेक बेनिफिशरीज ना आए, है ना, और टाइमली लोगों को पैसा मिल जाए, ठीक है, कोई इनका ट्रांजेक्शन फेल वगैरह ना हो, इन सब के लिए गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है। फिर गवर्नमेंट ने एक नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया था इनकी अटेंडेंस के लिए, तो उसमें ना सेल्फी का कॉन्सेप्ट था, आपको सेल्फी भेजनी होगी ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो सके। ओके, अप्रूवल के लिए एक एप्लीकेशन बनाया था सिक्योर, है ना, और जो भी काम कंप्लीट हो जाएगा उसकी जियो टैगिंग की जाएगी, यानी कि उसकी फ़ोटोज़ वगैरह उस पर मैप्स की हेल्प से उसके कोऑर्डिनेट्स टैग किए जाएंगे, ताकि उसको बाद में चेक भी किया जा सके सैटेलाइट से कि भाई ये वाला काम किया गया, है ना। उनकी स्किल को थोड़ा और बेहतर करने के लिए उन्नति का एक प्रोजेक्ट भी चलाया गया था, तो मनरेगा के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है। तो आधार के इस्तेमाल पर ऐसी 1100 गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कुछ मेजर एग्जांपल उज्ज्वला, आवास योजना, फसल बीमा योजना, अटल पेंशन योजना एंड मल्टीपल थिंग्स।
16th फाइनेंस कमीशन, तो 16th फाइनेंस कमीशन जो होगा ये 5 साल का पीरियड स्टार्ट करेगा 2026 से, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन के हेड थे एनके सिंह, 2017 में बनाया गया था, ठीक है। और इन्होंने जो वर्टिकल डिवोल्यूशन था ना उसमें टैक्स का 41% कर दिया था, इससे पहले जो था वो 42% था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो बाइफर्केशन हुआ था ना वो सारी चीज़ें, इसलिए उन्होंने 42% से हटाकर 41% कर दिया गया था। तो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में उन्होंने 6 क्राइटेरिया, देखो ये क्वेश्चन मेंस में आ चुका है आपका, है ना, तो ये आपको PYQ है मेंस का, ठीक है। 14th के साथ कंपैरिजन में पूछा गया था ये, और एवरी टाइम देर इज अ फाइनेंस कमीशन सेटिंग अप एवरी टाइम देर विल बी मेंस क्वेश्चन, दिस इज फॉर श्योर। पुराने हिस्ट्री में सारे PYQ उठा के देख लो। इन्होंने कहा था कि फिस्कल डेफिसिट जो है ना उसको GDP का 4% लेके आ जाओ 2025-26 तक। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या, सिंपल, आपको अगर 100 रुपये रेवेन्यू आ रहे हैं तो आपका एक्सपेंडिचर भी 100 रुपये होना चाहिए, है ना। पर उन्होंने ये कहा कि एक काम कर लो आपका, मतलब गवर्नमेंट बोली कि हमारे पास ना खर्चा ज़्यादा होता है, हमारा 150 तक भी खर्चा हो जाता है और हमारे पास पैसा आता है 100 रुपये का, तो डेफिसिट हमारा 50 का जा रहा है। तो कमीशन ने सजेशन दिया, एक काम करो आप खर्चा है तो कम कर लो या फिर रिवेन्यू बढ़ा दो, इसको ऐसे रखो कि 104 रुपये का खर्चा हो, 100 रुपये का आपके पास रिवेन्यू होना चाहिए, तो 4 रुपये का आपका फिस्कल डेफिसिट। तो उन्होंने इसको थोड़ा कम करने की बात की थी ताकि गवर्नमेंट के ऊपर कोई लोड ना हो, प्रेशर ना बने अननेसेसरी। अब देखते हैं थोड़ा सा, तो 16th फाइनेंस कमीशन जो था इसको सेटअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट सेटअप करते हैं, है ना, आर्टिकल 280 का इस्तेमाल किया जाता है। तो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है पहले वाले अरविंद पनगड़िया जी, वो इसके चेयरमैन बनेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, देखो देश में जितना भी पैसा आता है वो सब में बंटता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो उसको बांटने का एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है, वो चीज़ें कौन सेटअप करता है, फाइनेंस कमीशन सेटअप करता है, ठीक है। किसको कितनी ग्रांट देना है, है ना, तो आर्टिकल 275 के हिसाब से कितना रेवेन्यू जाएगा, स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड में कैसे चीज़ें बढ़ानी है, कैसे कम करनी है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, डिज़ास्टर के लिए कितना पैसा देना है, कहाँ से देना है, दिस इज़ एक्सट्रीमली वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आता ही है, डजंट मैटर एग्जाम में नहीं पूछा गया, आपको पता होना चाहिए, ये ऐसा टॉपिक है। नाउ वी हैव डायरेक्ट टैक्स टू GDP रेशियो जो कि पिछले 15 सालों में बढ़ चुका है। तो ये जो कुछ टर्म्स है ना, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, दिस एंड दैस, ये सब आपको पता होने चाहिए, ओके, और ये आपके स्टैटिक में गिवन है। सो इवन इफ़ यू डू नॉट नो, ऐसा मत सोचना कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे टैक्स टू GDP रेशियो, उसने बोला कि एक एस्टिमेट होता है कंट्री की एबिलिटी कितनी है मोबाइल रिसोर्सेज की टू फ्यूल इट्स डेवलपमेंट, ठीक है, और आसान भाषा में समझो ये देश के रिवेन्यू को देश की इकोनॉमी के साथ कंपेयर करता है। मैं लिख दूँ थोड़ा सा, इन शॉर्ट इसके अंदर क्या करता है ये, मैंने क्या बोला आपको, कंट्री इट कंपेयर्स टैक्स टू GDP रेशियो इज, इट कंपेयर्स द टैक्स, ये तो ना लिखने की जगह भी कम है यहाँ पर, VENU टू साइज ऑफ इकोनॉमी, ये बड़ी आसान भाषा है इसकी, आपकी इकोनॉमी में कितनी चीज़ें हैं उनको आपके टैक्स के साथ कंपेयर करेगा। तो उन्होंने कहा था कि ये पिछले 15 सालों में काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। फिर एक होती है टैक्स बॉयंसी, ओके, ये भी एक टर्म है जो आपके स्टैटिक में आपको मिल जाएगा, है ना, नो नीड टू गेट वरीड कि अरे अरे ये टर्म तो नहीं है, मैं क्या करूँ, कहाँ से पढ़ने को मिलेगा। तो टैक्स बॉयंसी क्या होता है, ये एक इंडिकेटर है, यानी कि कुछ दर्शाता है, क्या चीज़ दर्शाएगा, ये बताएगा कि एफिशिएंसी मेजर करता है और रिवेन्यू का मोबिलाइजेशन का क्या रिस्पॉन्सिबनेस है GDP के हिसाब से, नेशनल इनकम के हिसाब से, ओके। तो ये जो डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है, तो अगर मैं इसको और आसानी से समझने की कोशिश करूँ टैक्स बॉयंसी को, तो मैं कहूँगा कि जो रेशियो ऑफ चेंज है ना टैक्स में और हमारा ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ठीक है, उसको बोलते हैं टैक्स बॉयंसी। तो यानी कि अगर हमारा टैक्स बॉयंसी इज़ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब होगा, दिस मीन्स कि टैक्स रिवेन्यू ग्रो एट फास्टर रेट देन द नेशनल इनकम, मीन्स मैं लिख देता हूँ टैक्स रेट ग्रो फास्टर देन ग्रोथ इन नेशनल इनकम। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ इस चीज़ में, बट आप हल्का सा फास्ट कर सकते हो वीडियो को, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी होती है, ये डेफिनेशंस पर आते हैं इकॉनमी में क्वेश्चन बहुत सारे। तो गवर्नमेंट की कुछ रिपोर्ट आई थी, है ना, टैक्स बॉयंसी जो थी वो डिक्लाइन हो गई है 2.52 से 1.18 तक, ऑलराइट। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुए हैं, 2023 के अंदर 19.72 ट्रिलियन आया था,
14 पिछले 10 साल में ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि क्लोज टू 3 times, 3 गुना होने के बराबर आ चुका है। देन वी हैव डायरेक्ट टैक्स। आज तो मेरा फ़ोन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे बीच में। डायरेक्ट टैक्स आपको समझना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल लेवल पर होता है, पर्सनल भी और कॉरपोरेट इनकम टैक्स भी, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आता है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, स्किप मत करना, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं प्रीलिम्स के अंदर। रिवर्स फ्लिप एक टर्म होता है जिसमें हम कहते हैं कि जो ओवरसीज स्टार्टअप्स हैं ना, दे आर शिफ्टिंग देयर डोमिसाइल टू इंडिया एंड लिस्टिंग ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ओवरसीज मतलब भारत के बाहर जो स्टार्टअप्स हैं ना, तो उनकी जो होल्डिंग्स हैं वो इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं अब, ठीक है, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है ना, और वेंचर कैपिटल उनको मिल जाएगा यहाँ पर। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 ने बताया था ये जो कॉन्सेप्ट था, तो ये ऐसी चीज़ें मे आस्क इन प्रीलिम्स। मोमेंटम इन्वेस्टिंग सिंपल है, इन्वेस्ट करने का तरीका होता है जहाँ इन्वेस्टर पहले एक एसेट को परचेज़ करेंगे, है ना, जिसका कीमत बढ़ रही है, और उनका ऐसा कोई दूसरा स्टॉक जिसकी कीमत गिर रही है उसको बेचते रहेंगे। तो स्मार्ट तरीका है, मोमेंटम का ध्यान रखते हैं कि भाई अभी किधर को दशा चल रही है, तो दशा के हिसाब से काम करते हैं। मॉडल बेस्ड लेंडिंग, लेंडिंग मतलब उधार देना। RBI गवर्नर ने कहा, बैंक्स को बोला और NBFC को कि भाई एक एल्गोरिदम जो है ना, ये मॉडल बेस्ड एल्गोरिदम लेंडिंग, इससे थोड़ा सा बच के रहेंगे, ठीक है। तो बस एक प्रोसेस है, इसमें टेक्नोलॉजीज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, है ना, और ऑटोमेटेड लेंडिंग प्रोसेस होता है, अपने आप से पैसा देने का होता है, कोई फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो थोड़ा उससे बच के रहो, हो सकता है कि गलत यूज़ हो जाए इसका। MMT मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी, ये एक थ्योरी है, वो कहती है कि जो कंट्री अपने खुद के पैसे इशू करती हैं उनका कभी पैसा ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही एक थ्योरी है, ये थ्योरी आपके काम आएगी या नहीं, आई डोंट थिंक आएगी। हाँ, कोई मेंस, अगर किसी का मेंस होगा तो आपका इकोनॉमिक्स अगर ऑप्शनल है तो आपके लिए इसको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी रहेगा, एल्स नो नीड टू गो इन टू दिस। यार एग्ज़ाम में ना ये वाला सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है ही ऐसा, उसमें ना इंटरेस्ट इतना आ रहा होता है नॉलेज में, ये भी पढ़ लूँ ये क्यों। कुछ लोग सोचता है कि कहेंगे भाई तूने ये वाली चीज़ क्यों नहीं पढ़ाई, तो मैं उसी पर फोकस करने की कोशिश करूँगा जो तुम्हारे एग्ज़ाम में काम आएगी। वंस यू क्लियर दिस एग्ज़ाम ना, फिर तुम भाई बैठ के पढ़ना कितना ही। अभी क्या है कि इन्फॉर्मेशन का लोड बहुत रहेगा, तो फालतू चीज़ें दिमाग में डालने से ना वो जो मेन होगी जिस पर फोकस करना वो स्लिप हो जाएगी। इंडियन आयरन ओर मार्केट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इंडियन आयरन ओर मार्केट के ऊपर हमने एक स्टडी की और उसको हम पब्लिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत के पास ना सेल्फ सफिशिएंसी आयरन ओर की, और ग्लोबली विश्व में हम लोग 7% तक दे भी रहे होते हैं, इसलिए हम लोग 4th largest प्रोड्यूसर भी हैं। 2021 का हमारा एक जो एक्ट में अमेंडमेंट किया था हमने माइंस एंड मिनरल्स वाले में, तो हमारे जो कैप्टिव माइंस है वो अपना 50% सरप्लस आयरन दे सकते हैं ओपन मार्केट में। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कैप्टिव माइंस का मतलब होता है कंपनीज के द्वारा ओन की जाती हैं अपने खुद के इस्तेमाल की, सिंपल फिनिश। ये मैप है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये भी उन्होंने कहा कि भाई कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करो, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये लोकेशंस कभी कभी आ जाती हैं, तो मैं कहूँगा कि ये मैप फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस। मेंस में कहाँ पर आएगा, GS 1 में आएगा, क्योंकि वहाँ पर ज्योग्राफी का जो रिसोर्सेज वाला है ना उसमें ये सवाल आता है, आए हैं मैप पहले भी। ऑडिट क्वालिटी डेफिशिएंसीज, ऑडिट का मतलब आप क्या करते हो कि जनरली आप मॉनिटरिंग करते हो, सुपरवाइज करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो उसकी क्वालिटी में कुछ खामियां होती हैं। तो जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी थी ना, उसको लगा कि 4 जो बड़े ऑडिट फर्म्स हैं ना, जो बिग फोर में कौन से हैं, KPMG, PwC, डेलॉयट और EY, मैंने पहले भी बताया था इनके बारे में, तो उन्होंने कहा कि इनमें कुछ कमियां हैं। देर आर सर्टेन शॉर्ट कमिंग्स। NFRA स्टेचुटरी बॉडी है, 2018 में बनी थी, और इनका काम क्या होता है, ऑडिटिंग के सारे स्टैंडर्ड्स को मॉनिटर करना, है ना, जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हैं उसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। की इश्यूज़ क्या बताया, उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस नहीं होती, इनके पास कोड ऑफ एथिक्स की प्रॉब्लम रहती है, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, रिस्क असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लायंस नहीं कर रहे, कंप्लायंस मतलब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे, जो रूल बनाए हुए हैं इनके लिए उनका ये पालन नहीं कर रहे हैं। भारतमाला फेज़ 1 को एक्सटेंड कर दिया गया है 6 सालों के लिए 2028 तक।
भारतमाला परियोजना मिनिस्ट्री ऑफ रोड के रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर आई थी। 2017 में फेज़ बनाया था, एम था 2022 तक 34,800 किलोमीटर का सड़क का जो हाईवे वगैरह बनाएंगे, है ना। नवंबर 2023 तक 42% ये कम्प्लीट हो गया था। सेटेलाइट मैपिंग होती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक सर्वे के लिए, और फ्रेट मूवमेंट जो है 600 डिस्ट्रिक्ट फ्रेट मूवमेंट, मतलब जो सामान की मालगाड़ियाँ वगैरह होती हैं ना उनके लिए। फिर ये जो टॉपिक है ना भारतमाला, ये आपका मेंस का टॉपिक है GS3 में, जहाँ पर टॉपिक आता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, वहाँ का टॉपिक ज़्यादा है ये। भारतमाला के अंदर हम इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बना रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का मतलब होगा कि वो रोड्स होंगे ये, जहाँ पर जनरली फ्रेट मूवमेंट होगा, सामान वान ट्रेडिंग का सामान जो होगा ना फ्रेट मूवमेंट उसके लिए होगा। इंटर कॉरिडोर, फीडर रूट, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, बॉर्डर रोड्स, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, कोस्टल रोड्स, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, बैलेंस NHDP, बहुत कुछ है। अगेन बैंकिंग सेक्टर का है ये, और प्रीलिम्स के लिए है। 2023 की लिस्ट आई है DSIB। DSIB का मतलब डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ऐसे बैंक्स जो इतने बड़े हैं कि अगर ये फेल हो गए तो इकॉनमी में बहुत बड़ा एक डेंट आ सकता है। तो गवर्नमेंट एक ऐसे बैंक्स की लिस्ट निकालती है। एक फ्रेमवर्क बनाया था हमने 2014 में RBI के साथ, उसके हिसाब से जो बेजल कमेटी थी ना, उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया था कि भाई ऐसे कुछ डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट जो बैंक्स हैं ना उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो इस लेटेस्ट लिस्ट के अंदर इंडिया का जो DSIB है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC है, ICICI भी है ना। तो ऐसे ही ग्लोबल लेवल पर भी एक लिस्ट होती है GSIB की, है ना। उनको कुछ पर्टिकुलर कैपिटल मेंटेन करके रखना पड़ता है, और जो ग्लोबल वाली लिस्ट होती है उसको कौन रिलीज़ करता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। एक स्कीम है पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। भारत में जहाँ पर भी पेमेंट की जा रही होती है उस सबका एक ओवरऑल एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसमें और डेवलपमेंट करने के लिए एक फंड बनाया गया था, ठीक है। तो RBI ने बोला कि स्कीम को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं 2025 तक। तो 2021 में आई थी ये स्कीम, 2024 तक के लिए अभी इसको एक्सटेंड किया गया है। तो बस इसमें इतना ही याद करना था आपको। दूसरे भी इनिशिएटिव्स हैं, AEPS है हमारा, है ना, आधार APBVS तो भी पढ़ा हम लोगों ने मनरेगा के साथ, है ना, UPI हो गया, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान भी है, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिट का मतलब जैसे कि एक जगह से लेके जा रहे हो आप, एक पॉइंट ए से आपको पहुंचना है पॉइंट सी पर, बट आप पॉइंट बी पर कुछ चेंजेस करते हो तो पॉइंट बी के थ्रू आप जाते हो, तो बी क्या बन गया हमारा? ट्रांजिट बन गया, एक पॉइंट है बस। बेसिकली गवर्नमेंट इसके लिए कुछ काम कर रही है। तो यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, वन नेशन वन पास। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इसमें टिम्बर, बैम्बू, बाकी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह जो होते हैं उनके जाने के लिए पासेज अलाउ कर देंगे। तो रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन किए जाएंगे भाई, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, किस किस का कैसे कैसे। तो फॉरेस्ट राइट जो एक्ट होता है 2006 का, उसके तहत जो भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर, नॉन टिम्बर मतलब जो लकड़ी के अलावा जो होता है ना, तो वो सारे के सारे उनके ऊपर फॉरेस्ट राइट लगता है। इसके अलावा हमारे पास प्रधानमंत्री वनधन योजना है, इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम है, मार्केटिंग करना MFP मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसके लिए MSP देना, अटल सेतु नहावा शेवा सीलिंग, रिसेंटली देखा होगा आप लोगों ने न्यूज़ के अंदर, ये तो प्रधानमंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, 21.8 किलोमीटर का है, और मुंबई का जो सेवड़ी रीजन है उसको रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो नहावा शावा है उससे कनेक्ट करता है। स्टैंडर्डाइजेशन इन इंडिया, तो 77th फाउंडेशन डे था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया में जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है ना, तो उन्होंने कहा कि जो ज्वेलरी की जो हॉलमार्किंग होती है ना वो 343 डिस्ट्रिक्ट्स में मैंडेटरी कर दी गई है। 90% ज्वेलरी है ना वो हॉलमार्क कर दी जा रही है। हॉलमार्क का मतलब उसकी ज्वेलरी की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक रिकॉग्निशन, एक वो होता है एक्नॉलेजमेंट पॉइंट होता है। तो 672 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर 156 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स का इंप्लीमेंट किया जा रहा है। स्टैंडर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस जो है इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सेटअप करता है ना। इसके एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी बनाई गई थी 2016 में BIS एक्ट के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है इसके साथ काम करता है। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव है भारत में चीज़ों के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए। वी हैव स्टैंडर्ड्स नेशनल एक्शन प्लान, इंडियन नेशनल स्ट्रेटजी है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्कीम है, वन नेशन वन स्टैंडर्ड वन ये स्कीम भी है। सर्टिफिकेशन वगैरह भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की ISI की सर्टिफिकेशन होती है, BIS का हॉलमार्क वगैरह जो होता है मेटल्स के लिए, है ना, जो गोल्डन ज्वेलरी के लिए, इको जो होता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए। तो आप लोगों ने देखे हैं ये सब चीज़ें। तो
यूरिया गोल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूरिया गोल्ड का मतलब अब यूरिया के ऊपर हम सल्फर की कोटिंग करेंगे। PYQ में अगर आप देखोगे तो आपको नीम कोटेड यूरिया दिखाई देगा, ठीक है, उस पर सवाल आया था PYQ प्रीलिम्स में। अब बात आ रही है यूरिया गोल्ड की, ऑलराइट। तो यूरिया का एक्शन इससे बढ़ जाता है अगर सल्फर की कोटिंग कर देते हैं तो यानी कि प्लांट जो है लंबे समय तक ग्रीन रहेगा, एफिशिएंसी इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो उसने कहा था कि जो सल्फर कोटेड यूरिया होगा ना, इसके कारण यूरिया की कंजप्शन 25% तक कम हो जाएगी। नाउ दिस इज़ अ स्टेटमेंट फॉर योर मेंस में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के लिए, फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्टेटमेंट डालना हो ना, फर्टिलाइज़र वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, मेजरली GS3 में आएगा ये, तो मैं वो लिख भी देता हूँ। GS3 में ज़्यादा यूज होगा ये, वहाँ पर इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि स्टेटमेंट किसकी है, ICAR की, उनकी स्टडी है ना वहाँ से। इस तरह की चीज़ों को लेकर के हमारी एक स्कीम है प्रणाम, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलोरेशन ऑफ मदर अर्थ। नैनो एरी यूरिया ऑलरेडी पढ़ा है हम लोगों ने, सबने नीम कोटेड यूरिया पढ़ा है, तो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि के अंदर से ही है। गोबर धन है, गल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, तो हम खाद बनाते हैं उससे ऑर्गेनिक खाद। अगर हम लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड की एमिशन कम होगी, वाटर रिटेंशन मतलब पानी कितना होल्ड कर पा रहा है, सॉइल का pH ज़्यादा एसिडिक तो नहीं हो गई है। pH का स्केल आपको पता होना चाहिए ना, 0 से 7 से 14, तो कितना एसिडिक है, इधर एसिडिक होता है इधर बेसिक होता है, 7 से उधर, 7 पर हम क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रल। सबने पढ़ा होगा स्कूल में। तो अच्छा, मैं कभी कभी ऐसी ऐसी बातें बताता हूँ ना, तो हो सकता है कि कभी स्लिप ऑफ टंग से मैं बोल दूँ ये एसिडिक है ये बेसिक, लेकिन उल्टा भी हो सकता है, बेसिक और एसिडिक भी। तो उस बात में ना बहुत ऐसे फ्यूरियस मत हो जाया करो कि ये क्या बोल दिया उल्टा, ये चीज़ें बहुत बेसिक है। ये कभी कभी मैं एक बार मैरिज जो वर्ड है ना इसकी स्पेलिंग भूल गया था, अभी पिछले साल ही मैं बैठा हूँ, मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, मैं ऐसे वीडियो में पढ़ा रहा था, मैं कोई टॉपिक आया था सोशल इश्यूज़ का, उसमें मैरिज का टॉपिक था, मेरे से मैरिज की स्पेलिंग नहीं निकल रही दिमाग से। तो क्या होता है ना, जब लंबे समय तक रिकॉर्डिंग कर रहे होते ना स्क्रीन के सामने बैठ के, तो कभी कभी इंटेलेक्ट में बहुत सारी कमियाँ आ जाती हैं भाई, उसका मतलब ये नहीं कि पता ही नहीं होता है, ये कभी कभी हो जाता है, उस टाइम पर बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा था, बट यू नो कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा। तो आप अपनी समझ से इस बात पर ध्यान दो कि यार इस टॉपिक के आसपास मुझे रहना है, मुझे इसके बारे में पता रखना है, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों की पढ़ाई जो है ना, ये टॉपिक्स बड़े टिपिकल से होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट, देखो मैं ये टॉपिक आपको ऐसे बताता हूँ, ठीक है, हमारे पास ना एक एक्ट है, ठीक है, 2005 में हमने उसके अंदर एक स्टैचुटरी बॉडी बनाई थी, PPVFR अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। क्यों बनाई थी, देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका एक पार्ट है, उसको बोलते हैं ट्रिप्स, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट। एक कंपनी है जिसका नाम है पेप्सिको, पेप्सिको जनरली क्या बनाती है, आपके पास पेप्सी बनाती है ना, और चिप्स भी बनाती है, बहुत सारे खाने की चीज़ें बनाती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम लोग ना एक अपना एक खुद का है ना एक वो निकालेंगे, एक पोटैटो निकालते हैं जो हम अपने चिप्स में यूज़ करेंगे, लेज वगैरह में, और ये हमारा पोटैटो रहेगा, तो हम ये किसी और को यूज़ नहीं करने देंगे। भारत में उन्होंने कुछ किसानों को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप ये वाला पोटैटो ग्रो करो, हम आपको जितना आप ग्रो करोगे उसका पैसा दे देंगे और हम इसको इस्तेमाल करेंगे, आप ये हम ही को बेचोगे। WTO ने कहा कि हाँ कुछ ऑब्लिगेशन होगा ताकि कोई भी ऐसा नया प्लांट हो उसके राइट्स का मिसयूज़ ना किया जाए। इंडिया ने इसी के तहत एक PPVFR का एक्ट बनाया था, ठीक है। अब हुआ क्या ना, पेप्सिको जो कंपनी थी ना उसने कुछ क्लेम किया कि हमने कुछ किसानों को ये चीज़ें दी थी और किसान इसको ग्रो करके कहीं और बेच करके फ़ायदा उठा रहे हैं। ये कोर्ट में केस बना, अभी जो केस चल रहा था उसमें पहले पेप्सिको को बोला गया कि नहीं आप ऐसे नहीं रोक सकते, ठीक है, किसानों के पास भी एक राइट होता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का। तो पेप्सिको उसमें और आगे लेके गए, भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने पेप्सिको को परमिट कर दिया कि आप पेटेंट लगा सकते हो अपनी पोटैटो की वैरायटी पर, ठीक है। तो ये अभी अपडेट है इसके अंदर, जो उसकी वो चिप्स बनाने की जो पोटैटो था ना उसका जो पर्टिकुलर जो वैरायटी है उसको बोलते हैं FL2027, मे बी प्रीलिम्स में आ जाइए आपसे, है ना, कि व्हाट इज़ FL2027, रिसेंटली सीन न्यूज़, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। सोलर पावर स्कीम है PVTGs की हैबिटेशन के लिए, ओके, ठीक है। PVTGs क्या होते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, तो ट्राइबल ग्रुप्स तो होते ही हैं, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब भी होती हैं, बट गवर्नमेंट ने कहा कि उनके अलावा भी ना कुछ होते हैं जो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए एक सोलर पावर स्कीम देके आई है। तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, तो 1,00,000 PVTGs के हाउस होल्ड्स के इलेक्ट्रिफिकेशन होगा,
ठीक है, और सोलराइजेशन किया जाएगा, उसमें ऑफ ग्रिड सोलर पावर पैक बनाए जाएंगे, बैटरी वगैरह दी जाएगी 2023 से 2025 तक, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, ठीक है। ऐसी चीज़ें ना स्कीम्स, इस तरह की स्कीम में दो जब मिनिस्ट्रीज होती हैं तो याद रखना होता है। तो जो हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल हाउस होल्ड है ना, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, सेफ हाउस, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, है ना, एजुकेशन उनको ज़्यादा मिले, उनकी लाइफ बेटर हो सके। 2006 में इनको रीनेम किया गया था, तो पहले पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप्स थे, देन वी दे नेम्ड पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो अभी राइट नाउ इंडिया में 75 है, ठीक है, रिमेंबर दिस। इस पर एक आ चुका है शायद प्रीलिम्स में क्वेश्चन, क्राइटेरिया क्या होता है कि किसको हम बोल सकते हैं कि दे आर पीवीटीज, वो इस तरह के टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो पहले एग्रीकल्चर से पहले भी इस्तेमाल होती थी, जब वर्ल्ड में सिर्फ एग्रीकल्चर होता था उससे पहले भी एक बहुत ही कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ना लोग, पत्थरों का, लकड़ी से काटना बाटना, ये सब चीज़ें, उसकी बात कर रहे हैं वो। लिटरेसी उनके पास इतनी नहीं होती बेचारों के पास, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होती है और उनकी पॉपुलेशन भी गिर रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको आइडेंटिफाई करती है और उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए स्टेप्स लेती है, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। नॉट जस्ट गवर्नमेंट, एनजीओ भी बहुत सारे काम करती है। तो दीज आर द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विच अपीयर टू बी एलिमिनेटेड, लेकिन इनको हमें सबको साथ लेके चलना है। देन सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स थे ना उनमें कुछ अमेंडमेंट किया था, जिससे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए, मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब उनको काम करने के तौर तरीकों में थोड़ी आसानी आ जाए। व्हाट आर द पैरामीटर्स ट्रांसमिशन लाइन पे, ओपन एक्सेस पर और पावर टैरिफ में? तो बहुत लाइट से टर्म्स हैं, यूपीएससी यूजुअली इतना टेक्निकल जाएगा नहीं, बट हल्का से एक बार जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखो जब बात की जा रही है ना इंडस्ट्रीज़ की, तो उनके सबके वो होते हैं ना लोड्स होते हैं, जैसे आपने घर में भी अगर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है, जब आप नया कनेक्शन लगवाते हो तो आप उनको बताते हो बिजली वालों के, हमारे घर में इस तरह के हैवी अप्लाइंसेस लगेंगे, इस तरह के ऑलमोस्ट मतलब 10 बल्ब लगेंगे, 5 पंखे लगेंगे, एक आइडिया देते हो, उस तरीके से वो आपकी बिलिंग करते हैं। तो एक कुछ लोड फिक्स होता है हर घर का, हर मीटर पर। अब कुछ का ना, कुछ लोगों ने लोड अपना स्पेसिफाई किया होता है ना, और कुछ के पास स्पेसिफाई करने के बाद उनके अप्लाइंसेस इंक्रीज भी हो जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में खास करके, दे हैव टू पुट अप न्यू मशीन्स, है ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक्सटेंड भी करना होता है। तो अब उन्होंने क्या, उनको अलाउ कर दिया कि आप जो डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइंस है ना उनके थ्रू बिना किसी लाइसेंस के रिक्वायरमेंट के इस चीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। फ़ायदा क्या होगा, उनको अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, है ना, और उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, इनका जॉब क्रिएशन पे भी काम होगा। वेरी सिंपल थिंग, एक चीज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी में ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस के अंदर क्या होता है ना कि आप बिजली प्रोवाइड कर सकते हो दूसरे पर्सन को, ठीक है, आपके पास बिजली होती है, आप अपने थ्रू भी बिजली दूसरे को प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसमें इंडस्ट्रीज़ को ओपन एक्सेस के थ्रू काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर आप बिजली मिल जाया करेगी। तो गवर्नमेंट क्या करने, अगेन गवर्नमेंट चीज़ों को सरल करने की कोशिश कर रही है। पावर टैरिफ, जब भी गवर्नमेंट बिजली सेल करती है तो गवर्नमेंट मान लो सोचती है 100 रुपीज़ की बिजली सेल होगी, है ना, और सेल हो पाती है 70 रुपीज़ की, तो एक गैप रह गया ना 30 का। तो अब उन्होंने क्या कहा कि हम लोग ना फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ रेवेन्यू गैप को कवर करने के लिए काम करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी टैरिफ हम लोग लगाएंगे ना थोड़ा सा कॉस्ट रिफ्लेक्टिव रहेगा, ऑलराइट, ताकि हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू और जितना हमको मिल रहा होता है, इसका ये जो गैप है ना 30 का, वो इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने खुद भी बहुत डिटेल में चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई थी, तो इतना ही आपको जानना है। अब इस टॉपिक में तो क्या ही जानना है आपको, नेक्स्ट में ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। हम लोगों ने कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बात की थी, भाई हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को पहले कार्बन ट्रेडिंग, क्योंकि टॉपिक काम का है। एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, ए को बोला, ए ने अपनी कंपनी के जो भी उसका कार्बन एमिशन की जो लिमिट थी मान लो वो 100 यूनिट की थी, ठीक है, और बी की जो लिमिट थी वो लिमिट ही 80 की थी, या फिर मान लो चलो 100 ही थी दोनों की, ठीक है। अब जो टाइम पीरियड के अंदर ए ने जो एमिशन किया वो किया 80 यूनिट का, यानी कि ए के पास अभी भी 20 और करने के मौके हैं। बी ने 100 से ऊपर कर दिया, बी ने मान लीजिए 130 कर दिया, ठीक है, और बी नेगेटिव में चला गया। बी को करना था एमिशन 100 यूनिट तक का कार्बन डाइऑक्साइड का, बट बी ने 130 कर दिया। तो कार्बन मार्केट में क्या होता है ना, एक मैकेनिज्म क्रिएट किया गया कि आपके पास 20 पॉइंट्स थे, आपके पास माइनस 30 थे, आप अपने प्लस 20 इनको दे दो बी को, है ना, और बी आपको पे कर देगा उन 20 पॉइंट्स के लिए। तो बी ने एक्स्ट्रा एमिशन किया, उसके लिए पेमेंट मिल जाएगी ए को, क्योंकि ए ने वो सेव भी किया। फिर बी के पास कितने रह जाएंगे, माइनस 10। तो बी चाहे तो वो ए से भी ले सकता है, पर मैंने एक एग्जांपल में थोड़ा लिया, तो बी चाहे तो ए से ले ले, चाहे वो बी किसी से भी ले सकता है, किसी और से भी ले सकता है। इस तरीके से कार्बन की ट्रेडिंग होती है ना, ये मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं और भी अच्छे से डेवलप होंगे फर्दर, ये आपको और अच्छे समझ में आएंगे।
इंडियन गैस एक्सचेंज है ना, जो गैस को लेकर के एकमात्र एक्सचेंज है, और गुजरात का जो स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, उन्होंने एक MOU साइन किया है। व्हाट इज़ MOU? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्यों? वो एक हाइड्रोजन का ट्रेडिंग मैकेनिज्म सेटअप करना चाहते हैं। किसके साथ? गिफ्ट सिटी के साथ, अगेन गुजरात के साथ। तो हाइड्रोजन की प्राइसिंग जो होती है ना कंट्री के अंदर, वो सब यहाँ से डिटरमाइन की जाएंगी। ठीक है, तो लोगों को ट्रांसपेरेंसी मिलेगी क्योंकि एक एजेंसी उस पर अच्छे से काम कर रही होगी ना, इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं यहाँ पैसा लगाता हूँ तो प्राइसिंग यहाँ पर काफ़ी ट्रांसपेरेंसी से सेट की जाती है। वी हैव पॉइंट ऑफ प्रेजेंस रेगुलेशंस फॉर दी NPS सब्सक्राइबर्स। तो पहले यहाँ पर आपको NPS समझना पड़ेगा। 2004 में गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आती है नेशनल पेंशन सिस्टम की, ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक, ठीक है, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो NRI हो, इसको नेशनल पेंशन सिस्टम को ज्वाइन कर सकता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनके लिए इसको ज्वाइन करना कंपलसरी कर दिया गया था, एक्सेप्ट दी आर्म्ड फोर्सेस, उनको कंपलसरी नहीं था। PFRDA नेशनल पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करता है, उसके लिए 2013 का एक्ट भी है। PFRDA क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 2013 में बनाई गई थी। वो ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी इनकम सिक्योरिटी पे काम करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। तो जनरली आपको लगेगा कि यार ये तो ओल्ड एज की इनकम सिक्योरिटी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर होना चाहिए। रिमेंबर, मिनिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। अब हुआ क्या है ना, तो PFRDA ने कुछ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के रेगुलेशंस बताए थे इनके सब्सक्राइबर्स के लिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, पहला पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है NPS सब्सक्राइबर का विद दी NPS आर्किटेक्चर। ठीक है, जो ऑथराइज ब्रांच होती हैं उनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर। ये कलेक्शन पॉइंट्स होते हैं, सिंपल, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है इसमें। फ्यूचर ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का क्या फ्यूचर रहेगा, उसकी रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो इन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने कुछ डेटा दिया है, तो मैंने इसमें सिर्फ वो चीज़ जो आपके काम की जो आप मेंस में लिख सकते हैं वो अंडरलाइन कर दिए। ठीक है, 3 पॉइंट हैं। वर्ल्ड में ग्रोथ को लेकर जो इनोवेटिवनेस, इनोवेटिवनेस का मतलब समझ रहे हो ना, इनोवेट करना, कुछ नया ना, फिगरिंग आउट समथिंग, समथिंग एक प्रॉब्लम चल रही है उसके सोल्यूशन पर काम करना एंड ऑल दिस थिंग्स। तो उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड में जो ग्लोबल एवरेज है ना इनोवेशन की, वो 45.2 है, इंडिया में 40.2 है। तो कल को आपको इंडिया के बारे में बात करनी हो ना कि हमको अपना इनोवेशन बढ़ाना है, देन यू कैन कोट दिस थिंग कि एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये वर्ल्ड का है, ये इंडिया का, तो हम इस गैप को ब्रिज कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं इंक्लूसिवनेस की, वहाँ पर 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। अब ये एक पॉइंट बन गया आपका मेंस के लिए। देन वी हैव सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी समथिंग, इसमें बहुत सारा फ्यूचर जॉब्स हैं, यहाँ पर फ्यूचर में बहुत सारे जॉब्स आने वाली सस्टेनेबिलिटी में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ही एक रिपोर्ट आती है जॉब्स को लेकर के, उसको अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा सेक्टर होगा जिसमें मैक्सिमम जॉब्स आएंगी। तो उन्होंने कहा कि इंडिया का जो एवरेज है वो थोड़ा ज़्यादा है, 56 का है, ग्लोबल 46.8 है। तो आप कह सकते हो कि इंडिया इज़ वर्किंग बेटर इन द केसेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अगर आप बात करें पेरिस एग्रीमेंट की ना, तो पेरिस एग्रीमेंट के कुछ टारगेट्स थे जो अचीव नहीं हो पाएंगे वर्ल्ड के द्वारा। रेजिलियंस वाले पॉइंट भी इतना अच्छा मुझे मिला नहीं कि मैं आपको बताऊं, तो आई थिंक 3 इनफ रहेंगे, है ना। कोई टॉपिक इंक्लूसिवनेस का हो, कोई टॉपिक सस्टेनेबिलिटी का हो, कोई टॉपिक इनोवेटिवनेस का हो, तो देयर यू कैन यूज़ दिस पॉइंट्स। तो ये मेंस के लिए आपको एक डेटा फोल्डर मिल गया है ना, है ना, है ना, है ना। वी हैव 3.8.25 इंक्लूसिव एक्सेस टू एडवांस्ड AI। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते हैं अच्छे से, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर लोगों को इंक्लूसिव एक्सेस देना है। एक्सेस मतलब किस तरीके से वो यूज़ कर पाएंगे, समथिंग समथिंग लाइक दैट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक अलायंस पे काम किया है, है ना। वो चाहते हैं कि सभी के एफर्ट्स हों ग्लोबली। 2023 में लॉन्च किया गया था AIGA। क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एथिकल गाइडलाइंस हमको चाहिए होंगी। यू नीड ए कोड ऑफ एथिक्स फॉर द AI। जनरेटिव AI क्या होता है आपको पता होगा, है ना। दिस ChatGPT और Firefly है जो Adobe का, ये सब क्या है? जनरेटिव AI है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यू नो वेरी वेल। इस टॉपिक में इतना ही था। 26, लेबर के कुछ रूल्स हैं फॉर दी वर्कर्स एब्रॉड। हो क्या रहा था कि UP और हरियाणा की जो गवर्नमेंट थी ना, वो इसराइल में काम करने के लिए कुछ वर्कर्स का रिक्रूटमेंट कर रही थी। ट्रेड यूनियंस ने बोला कि भाई ये तो गलत बात है, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन में, जब किसी, मतलब भारत का एक नियम रहा है कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट जोन में अपने लोगों को नहीं भेजते। अभी आप क्या कर रहे हो, आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में भेज रहे हो, तो हमारे जो इंडियन इथोस है ना, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। तो ये लेबर वाले टॉपिक में ये पॉइंट बनता है। तो माइग्रेंट लेबर्स को लेकर के ना बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे, और 2 कन्वेंशन भी हैं वैसे तो वर्ल्ड के, लेकिन इंडिया ने इनमें से किसी को भी रेटिफाई नहीं किया है।
माइग्रेंट वर्कर्स का सप्लीमेंट्री प्रोविजन है, माइग्रेंट माइग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कन्वेंशन है। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने बहुत सारे मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स और बायलेटरल अरेंजमेंट्स किए थे दूसरी दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी। वेलफेयर प्रोग्राम की बात करें तो NPS है ना, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड है, और एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली रेगुलर माइग्रेशन ये भी साइन किया था। फिर ई माइग्रेट एप्लीकेशन है, मदद पोर्टल है, तो ये प्रीलिम्स में आ सकता है। ओके, ये कन्वेंशन के बारे में आएगा, तो याद रखना इंडिया ने लेबर को लेकर के कोई भी कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है। कुछ रूल्स हैं टू एक्सप्लोर द लाइसेंस, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए माइनिंग में। माइनिंग का मतलब समझते हो है ना, खदान वगैरह में काम करना। वो खदान में काम करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, सरकार आपको लाइसेंस देती है। तो एक एक्ट हमारा 1957 का, माइंस एंड मिनरल्स का, उसके तहत कुछ रूल्स वगैरह थे वो नोटिफाई किए गए थे। तो उन्होंने चार रूल्स नोटिफाई किए हैं, ठीक है। वो चार रूल्स कुछ इस तरीके से होंगे, हमको इन रूल्स में डिटेल में नहीं जाना। एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस मतलब आपको रिकॉनेसेंस करना होगा, रिकॉनेसेंस मतलब सर्च, इन्वेस्टिगेट है ना, चेक करना, मॉनिटर करना। भारत में अगर माइंस और मिनरल्स की बात करनी हो ना, तो MMDR का एक्ट होता है, जिसमें आप पहले एक प्रिलिमिनरी सर्वे करते हो, फिर आप चेक करते हो, लोकेट करते हो, और फिर आप एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हो। 3.8.28 है कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स। तो कैबिनेट ने 8500 करोड़ का VGF बोलते हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग का अप्रूवल दिया था, ताकि भारत में कोल की गैसिफिकेशन की जा सके। तो पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा इसके अंदर कोल गैसिफिकेशन क्या होता है। कोयले को आप एक काम की यूज़फुल गैस में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है, जिसके लिए आपको माइनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो कोल के रिजर्व्स वगैरह भी होते हैं ना बहुत डीप में, उनको भी हार्नेस किया जा सकता है। तो भारत का टारगेट है कि 2030 तक हम लोग 100 मिलियन टन्स के जो कोयला वगैरह जो ज़मीन में है ना, उसको हम गैसिफाई करके उसको यूज़ कर पाएंगे। तो इस स्कीम के कुछ हाईलाइट्स हैं, एक कैटेगरी वन गवर्नमेंट PSUs के लिए है, प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे ना, इसके लिए फंडिंग वगैरह आई है, द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दिस। दो जॉइंट वेंचर के प्रोजेक्ट्स भी हैं कोयल गैसिफिकेशन के, कोल इंडिया और गेल का है, कोल इंडिया और भेल का है, उनको भी अप्रूवल दिया है कैबिनेट ने। स्टील मेकिंग, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो स्क्रैप होता है ना स्टील मेकिंग में, उसको 2047 तक हम 50% पे लेके जाएं। तो स्टील स्क्रैपिंग में बेसिकली एक सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं है ना, जो वेस्ट हो जाता है ना स्टील हमारा, उसको रीयूज़ करके कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया का जो स्टील सेक्टर है वो वर्ल्ड में 12% कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सच में याद रखने के हैं। 2017 की एक नेशनल स्टील पॉलिसी भी है हमारे पास, 2019 में हम लोगों ने स्टील को स्क्रैप करके फिर रिसाइकिल करने की, स्टील का जो स्क्रैप होता है उसकी रिसाइकिल करने की पॉलिसी भी बनाई थी। तो उससे क्या होगा कि हमारा स्टील मेकिंग में जो कोयला कंज्यूम होता है ना वो भी बच जाएगा बहुत सारा। ओके, SBI की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो इंडिविजुअल की जो इनकम इनक्वालिटी है ना, इनक्वालिटी, वो डिक्लाइन हुई है पिछले 8 सालों में। तो वैसे तो टॉपिक में आगे जो है ना, ये एक डायग्राम है लॉरेंस का, आपने स्टैटिक में पढ़ते ही हो, गिनी कोफिशिएंट भी पढ़ते हो, सब कुछ के शेप है, सारी शेप सब रिकवरी सब आपके स्टैटिक में होता है। करंट अफेयर क्या है, ये है करंट अफेयर, बस एक ऊपर लाइन। तो इनकम इनक्वालिटी मतलब एक व्यक्ति है वो कमाता है 1000 रुपये, एक व्यक्ति कमाता है 300 रुपये, तो इनकम में गैप है ना दोनों के में 700 रुपये का गैप है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो गैप था ना पिछले 8 सालों में पहले से कम हुआ है। तो मे भी हो सकता है कि वो डेटा जब आप पूरा पढ़ोगे तो 1000 पहले कोई कमा रहा होगा, अब कोई 700 कमा रहा होगा है ना, या फिर 800 कमा रहा होगा, सिर्फ 200 रुपये का गैप रह गया है। तो वो इसी चीज़ की बात कर रहा है कि ये जो गैप है कम हो रहा है। गिनी कोफिशिएंट की डेफिनेशन देख लेते हैं, इनकम और वेल्थ में कितनी इनक्वालिटी उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ ना अपने इसमें पढ़ना भी मत, क्योंकि वीडियो में तुम लोग वैसे भी ध्यान दोगे, ये तो गिवन होता है पूरा, मतलब बेसिक्स हैं स्टैटिक में, जब वो पढ़ते हो अपनी किताब तो हर किताब में गिवन है, वहीं पर आपके नोट्स भी बन गए होंगे जितना मुझे पता है, अगर प्रीलिम्स का एग्जाम पास में तो यू नो द नोट्स एंड एवरीथिंग। तो ये के शेप होती है, डब्ल्यू शेप होती है, मल्टीपल शेप्स होती हैं रिकवरी की, पर ये जो टॉपिक था ना रिकवरी वाला, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट था कोविड के टाइम पर, अभी ये उतना प्रोमिनेंट नहीं है, बट स्टिल थोड़ा आइडिया ज़रूर रखना कौन से टाइप की रिकवरीज होती हैं। ये जब आता है, जब बजट का टाइम होता है ना, बजट इकोनॉमिक सर्वे, उसमें गवर्नमेंट थोड़ा अच्छे से बताती है कि कौन सा रिकवरी का टाइम चल रहा है। वो रिकवरी भी तब होगी ना जब लॉस मिलेगी, इंडिया तो वैसे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी। हाँ, पर ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं आपसे ना रिकवरीज, इंटरव्यू में
ऐसे रेंडमली बोल देगा एग्जामिनर कि बताओ भाई कोविड के टाइम पर कौन सी रिकवरी चल रही थी इंडिया की, या आज कौन सी रिकवरी चल रही है। तो वो तो आपको प्रेजेंट में करंट अफेयर जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहते हो आप, उससे आइडिया लगता रहेगा, वो आता रहता है न्यूज़ में। यहाँ पर हमारा न्यूज़ इन शॉर्ट भी ख़त्म होता है, इकॉनमी का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट न्यूज़ इन शॉर्ट आई हैव एवर कवर्ड इन दिस यूट्यूब चैनल।